जय जय श्री राम। गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर ओ स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर स्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, बिना आग्रह है आप सभी से, अपने स्थान पर आप सभी विराजमान हो जाएं। अलवर की पावन धरा में आज से दो दिन तक श्री हनुमंत कथा हम आप सभी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। प्रथम दिवस की श्री हनुमंत कथा में आज की प्रथम दिवस की मंगलमय आरती में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं मुख्य यजमान परिवार में से ही श्रीमती सरोज गुप्ता जी एवं सीए श्री किशन गुप्ता जी एवं सर्व समाज राष्ट्र उत्थान सेवा समिति के ही सभी यजमान परिवार, श्रीमती बिंटू देवी एवं श्री मनोज जी, श्रीमती रजनी सैनी एवं श्री अशोक सैनी जी, श्रीमती अनीता गर्ग एवं श्री रवि गर्ग जी, श्रीमती शशि गुप्ता एवं श्री बाबू राम गुप्ता जी, श्रीमती अर्चना गुप्ता एवं श्री के एम गुप्ता जी,
श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता एवं श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, श्रीमती शीला यादव एवं श्री झावर राम झावरमल यादव जी एवं श्रीमती सीमा गुप्ता एवं डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, श्री नरेंद्र गोयल जी एवं बजरंग सिंगल जी, श्री अश्विनी जी एवं श्रीमती नीता जी, श्रीमती पूनम चौधरी जी एवं संजीव कुमार जी, श्री दिलीप मोदी जी एवं हमारे बीच आज पूर्व मंत्री सेंट्रल के पधारे हुए हैं, माननीय श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी से आग्रह है कि पावन आरती में आप पधारें एवं वर्तमान में ही राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री टीकाराम जोहली जी से आग्रह है कि आप आए पावन आरती में पधारें। और आइए चलते हैं सर्वप्रथम आज की मंगलमय आरती में। जय श्री राम। ओम ज्वालामालन्नै नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि हरिः ओम चंद्रमा मनिषो जातकसोः सूर्यो अजायता स्रोतद्वाय सुप्राणस्य मुखादग्निरजायतो अरति की जय हनुमान ललाके दुष्ट दल रघु नाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दल रघु नाथ कला जाके बल से गिरीवर कापे रोग दोष जाके निकट न जा अंजनी पुत्र महाबलिदाई संतन प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंका जाए सिया सुदिलाए लंका तो कोटे समुद्र सिखाए जात पवन सुत मार न लाए लंका जार असुर संहार सिया राम जी के काज सवार लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे आन सजीवन प्राण उबारे पेठ पाताल तोड़े जम तारे ऐरावण सुर दल
पापानी जन्मांतर कृतानी चातानी सर्वाणी निस्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं शीतलेत्तुं जगद्माता शीतलेत्तुं जगत्पिता शीतलेत्तुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। देवाधिवंदनम आत्माधिवंदनम पुष्पाधिवंदनम हरि ओम मंत्र पुष्पांजलम हरि ओम। जगेन जगमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमाना सन्नोते नाकं महिमाना सचंत्र जत्र पूर्वे साध्य शंति देवा। हरि ओम। एक दंताय विद्महे वक्तुंडाय धीमहि तन्नो श्री दंती प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यानी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम। दशरथ आत्मजा विद्महे श्री सीता वल्लभा धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वरा श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम हम हनुमते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलम समर्पयामि। बोले बागेश्वर धाम की जय। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, भरतरी बाबा की, पांडु बोल हनुमान जी महाराज की, मेहनीपुर बालाजी सरकार की जय जय श्री राम। जय श्री राम। साइड हो जाओ। आप सभी से पुनाग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। अलवर की पावन धरा में पधारे सभी बागेश्वर धाम परिवार के धर्म प्रेमी आस्थावान एवं कथा रसिक एवं घर बैठकर बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से देख रहे, सत्संग चैनल के माध्यम से देख रहे आप सभी भक्तों का बागेश्वर धाम परिवार की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मुख्य यजमान परिवार श्री किशन गुप्ता जी एवं उनकी पूरी टीम एवं सर्व समाज राष्ट्र उत्थान सेवा समिति के सभी सदस्य जिनके संकल्प से लगातार यहाँ पिछले 4 महीने से तैयारी चल रही है और आज भव्य दिव्य तैयारी संपन्न हुई। एक बार आयोजक समिति एवं उनकी पूरी टीम का हम तालियों से स्वागत करते हैं एवं हम सबकी 24 घंटे जो सुरक्षा सेवा में लगे सभी पुलिस प्रशासन का भी हम तालियों से स्वागत करते हैं। आप सभी से पुनः आग्रह है कि आप सभी बैठ जाएं, जहां भी हैं वहां विराजमान हो जाएं और सभी अतिथियों से भी आग्रह है कि आप गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके पावन मंच से प्रस्थान करेंगे अपने आसन की ओर। इसकी कीर्ति देश नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों में फैली हुई। इसकी कीर्ति देश नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों में फैली हुई। तिब्बत संतों की तपोभूमि है बागेश्वर धाम। सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ तप करने वाले संतों की शक्ति और भगवान बालाजी की कृपा से ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और बागेश्वर बालाजी सरकार भारतवर्ष का प्रथम ऐसा दिव्य तीर्थ स्थल है जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान से मिलना निःशुल्क, टोकन नंबर लगाना निःशुल्क, अर्जी लगाना निःशुल्क, मिलना निःशुल्क और भोजन भी निःशुल्क है। लगातार सनातन धर्म के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसे अनेकानेक संकल्प ले रखे हैं और जो भी जो कि आप सभी के सहयोग से अनवरत चल रहे हैं। सभी से आग्रह है कि आप सभी आशीर्वाद प्राप्त करके पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। सभी से हमारा विनम्र आग्रह है, सभी अतिथियों से। और पूज्य गुरुदेव भगवान अभी एक दिन पूर्व गया जी की पावन धरा में थे, बुद्ध गया जी में, जहां पर स्वयं विष्णु भगवान पित्त देवता के रूप में विराजमान है। पित्त पक्ष के पावन पर्व पर गुरुदेव भगवान 3 दिन तक गया जी में उनका निवास था और उन 3 दिनों में गुरुदेव भगवान ने जो बागेश्वर धाम परिवार के भक्त पहुंचे थे, जो यजमान परिवार पहुंचे थे, उन सभी को आशीर्वाद दिया और 2 दिन तक पितृपक्ष के उपलक्ष में, पितृपक्ष के पावन पर्व में
दो दिन तक हरि प्रवचन हरि कथा श्रवण कराई। आप सभी ने भाग्यश्रम चैनल के माध्यम से हरि कथा श्रवण की और हम सबका परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरु भगवान पावन तीर्थ से आकर के सीधे उनके चरण रज हमारे अलवर की पावन धरा में पड़े। कुछ दिन पूर्व श्री किशन गुप्ता जी बागेश्वर धाम पहुंचे, उन्होंने आग्रह किया, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किया, बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी लगाई कि गुरुदेव भगवान आप अलवर की पावन धरा में पहुंचे, अलवर के भक्त आप सभी का, आप सबका इंतजार कर रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ कि हम समय तो नहीं है लेकिन दो दिन अवश्य आएंगे और ये आप सभी के संकल्प से गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ और आज से दो दिन तक श्री हनुमंत कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे और कल कथा के मध्य में ही सुबह 11 बजे एक दिवसीय दिव्य दरबार होगा। दिव्य दरबार में मानव जीवन की दहक दबे भौतिक कष्टों के निवारण के लिए एक दिवसीय दिव्य दरबार कल सुबह 11 बजे यही कथा पंडाल और उसके बाद गुरुदेव भगवान अपनी आगे की यात्रा के लिए कल कथा पंडाल से ही प्रस्थान करेंगे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान दो दिन तक गया जी में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वहां पहुंचे और गुरुदेव भगवान ऐसे लगातार ऐसे संकल्प लेते हैं अपने भक्तों के लिए जिससे कि उनको कोई असुविधा ना हो। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने गुरुदेव भगवान से निवेदन किया कि गुरुदेव भगवान भक्तों का जनसलाभ अत्यधिक मात्रा में होता है और हम आपसे आपके दर्शन नहीं कर पाते हैं, आपसे चर्चा नहीं कर पाते हैं, अपनी समस्याएं हम नहीं सुना पाते हैं। तो उनके लिए गुरुदेव भगवान ने एक उपाय किया। पिछले वर्ष काशी विश्वनाथ में गुरुदेव भगवान पितृपक्ष में 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण अपने भक्तों को श्रवण कराया। काशी विश्वनाथ की पावन नगरी में गुरुदेव भगवान ने ये संकल्प लिया था कि अगले साल हम पुनः अपने भक्तों को बोध गया जी ले जाएंगे और वहां भक्तों को गया जी में हरि कथा श्रवण कराएंगे और उनको भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ऐसे भारत के जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तो गुरुदेव भगवान ने ये संकल्प लिया भक्तों के आग्रह से कि अब हर 5 महीने 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसे अपने जो बागेश्वरधाम परिवार के भक्त हैं उनको हम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर लेके जाएंगे। और परसों गुरुदेव भगवान ने यह आदेश किया कि 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक यानी कि अंग्रेजी का जो नया साल होता है नए साल में हम अपने भक्तों के साथ 5 दिन तक जहां पर प्रभु श्री राम ने भोलेनाथ की पूजा की थी रामेश्वरम में 5 दिन तक रहेंगे। 5 दिन तक श्री रामचरित चर्चा पर कथा श्रवण कराएंगे और 5 दिन तक यज्ञ होगा। उस यज्ञ में यजमान पहुंचकर रुद्र भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और 5 दिन तक रुद्र भगवान के साथ हरि कथा श्रवण कर सकते हैं। तो आप भी अगर 5 दिन तक 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक रामेश्वरम में पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ दर्शन करना चाहते हैं तो आप कार्यालय में बागेश्वर धाम के कार्यालय में संपर्क करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं या टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी कार्यालय के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी से पुनः आग्रह है कि नीचे बैठना है, सभी यजमान परिवार को नीचे बैठा दीजिए, विनम्र आग्रह है सभी को नीचे बैठाना है, यहाँ आपके लिए आसन लगा है प्लीज। और आइए चलते हैं आज की प्रथम दिवस की श्री हनुमंत कथा में प्रवेश करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जय जय श्री राम। तुलसी सीता राम
રાખો વિશ્વાસ કબહુ બિગડત ના સુની રામચંદ્ર કે દાસ રામ ન મારે કાહુ કો પાપી નહીં હે રામ આપહુ સે મર જાત હે કર કર ખોટે કામ શ્રી રામ શ્રી જંબો ફલ ઉમા સુતમ સો કે વિનાશકારક નમામિ વિઘ્નેશ્વર નમઃ ગુરુભ્યો ગુરુપાદુકાભ્યો નમઃ પરેભ્યા પરપાદુકાભ્યો આચાર્ય સિદ્ધેશ્વર પાદુકાભ્યો નમો સ્તુ સીતા પતિ પાદુકાભ્ય સીતાનાથ સમારંભા શ્રી રામાનંદાર્ય મધ્યમા અસ્મદાચાર્ય પર્યંતા વંદે પરમ લોકાભિરામં રણરંગધીરં રાજીવનેત્રં રઘુવંશના કારુણ કરુણાકરંતમ શ્રીરામચંદ્રમ શરણમ પ્રપદ્યે મનોજિવમ મારુતિતુલ્યવેગમ જિતેન્દ્રિયમ મતાવરીષ્ઠમ વાતાત્મજમ વાનરયુતમુખ્યમ શ્રીરામદૂતમ શરણમ પ્રપદ્યે લાલો દેહે લાલીલસે અરુધરી લાલ લંગુ વજ્ર દેહ દાન દલન જય 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 કવિ રામ કથા કે રસિક તું ભક્તિ રાજમતી ધી આય સુવાસન બેઠિયો તેજ પુંજ કવિ તુલસી તુલસી સબો કહે
भैया तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास सो बन गए Bye.
कृपा करो राम सीताराम हनुमान अब तो कृपा करो राम सीताराम शरण में ले मेरी डूबती नैया पार करो मेरी डूबती नैया कौन कौन पार जाना चाहता है दोनों हाथ उठा करके
कीर्तन नहीं गाता है पता है क्या होता है, जो धीरे धीरे कीर्तन गाता तेज तेज के कीर्तन करता उसका सुनो, जो बड़ी जोर जोर से कीर्तन करता है उसके भीतर के पाप बाहर निकल आते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे गाता है उसके भीतर घुस जाते हैं। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे बगल वाले के पाप तुम्हारे भीतर घुसे, चाहते हो, उठाओ दोनों हाथ, जब तेरा दीदार होता है, मन की आंखों से जब तेरा दीदार होता है मेरे प्यारे, फिर मेरा हर दिन त्योहार होता है। किसका है? राजस्थान में ही एक जगह है सालासर बालाजी। आहा, सालासर बालाजी में एक महात्मा हुए पूज्य श्री मोहनदास बाबा। राम नाम जप करके हनुमान जी ने राम जी को बस में किया। सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। राम नाम जप करके हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया, और राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को इस कीर्तन को गाकर मोहन दादास बाबा ने अपने बस में कर लिया। इसलिए दोनों हाथ उठा करके गाओ,
गंगा मैया की, श्री भरतरी नाथ बाबा की, बागेश्वर धाम की, गुरु गोरखनाथ भगवान की, श्री हनुमान पांडुपोल वाले बालाजी महाराज की, मेहंदीपुर बालाजी की, नीलकंठ महादेव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गुरु गोरखनाथ की, अपने अपने मताई बाप की, राजस्थान अलवर के इन पगलन की, कथा के सभी श्रोताओं की, कथा की पूरी समिति की, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे वालन की भी, भारत हिंदू राष्ट्र की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। साधु जी सीता, ओ साधु जी सीता, अरे ओ साधु जी, परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान श्री सीताराम जी सरकार की मंगलमयी कृपा, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे संसार में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री सीताराम जी भगवान के चरणार बिंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराराधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। धन्य है वीर बजरंग बली जो तोड़ देते हैं दुश्मनों की नली, ऐसे वीर हनुमान जी महाराज जिनका चारों युग परिताप तुम्हारा सीत जगत उजियारा, पर सीत जगत उजियारा। धन्य है वीर बजरंग बली, और वैसे भी राजस्थान तो हनुमान जी का ही प्रदेश है। एक तरफ जहां सालासर बालाजी है तो यही नजदीक में मेहंदीपुर बालाजी है। अब देखो कितना अच्छा संयोग, एक तरफ कोने में सालासर बालाजी, एक तरफ मेहंदीपुर बालाजी, बीच में बागेश्वर बालाजी। आज फंस गए बागेश्वर बालाजी। और राजस्थानियों के बीच में क्या कहना, और राजस्थान तो अद्भुत प्रदेश है जहां श्री नाथ जी भी है। आहा, क्या कहना। और धन्य है उज्जैन के राजा महाराज श्री विक्रमादित्य, उनके भाई श्री भर्तरी महाराज। तो हनुमान जी कौन, हनुमान जी महाराज का एक नाम अंजनी पुत्र पवन सुत। हम एक जगह एक पत्रकार के साथ बैठे थे, पत्रकार बोले एक बात बताओ क्या तुम्हारे हनुमान जी की सबको जरूरत है। हमने कहा जिनको नहीं है जरूरत उनके प्राण निकल जाते। वो बोले कैसी उल्टी बात कर रहे हो। हमने कहा ठटरी के बारे। बोले मतलब। हमने कहा सुनो ठटरी के बारे, हनुमान जी का नाम अंजनी पुत्र पवन सुत। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें भोजन ना दें कितने दिन जिंदा रहोगे। 5 दिन। अच्छा पानी ना दें कितने दिन। 1 दिन। और हवा ना दें। 2-3 मिनट में कहोगे सिलेंडर ले आओ सिलेंडर। कोरोना में थोड़ी देर के लिए हवा बंद भई थी, अच्छों अच्छों की हवा खिसक गई। बोलो हाँ जी या ना जी। तो हवा के बिना एक पल नहीं चलता। हम यही तुमसे कहना चाहते, जिस प्रकार हवा के बिना हम जी नहीं सकते, वैसे ही पवन पुत्र हनुमान जी भी तो पवन रूप में है, इनके बिना भी कौन जी सकता है। तो धन्य है वीर बजरंग बली। आहा देखो ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। तो हनुमान जी महाराज कथा के कितने प्रेमी। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया,
राम लखन सीता इतने प्रेमी कथा के कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलम इतने कथा के प्रेमी जहां जहां कथा वहां हनुमान जी तो बहुत अच्छे श्रोता कौन है हनुमान जी वक्ता कौन है हनुमान जी आहा तो धन है ऐसे अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों को प्रणाम करते हैं। ये वो भूमि है राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है जहां आदि काल से वीर होते रहे और राजस्थान के वीरों की चर्चा तो पूरी देश दुनिया में फैली हुई है। माई बाप राजस्थान वो प्रदेश है यहां के वीर केवल इंसान नहीं होते योद्धा वीर नहीं होते यहां का तो घोड़ा चेतक भी वीर होता है यहां का तो घोड़े भी वीर होते हैं। और देखो कितना अद्भुत संयोग जुड़ गया वीर की भूमि में महावीर की कथा होने जा रही है। हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब और देखो दुनिया में तीन वीर हुए लक्ष्मण जी वीर राम जी रघुवीर लेकिन हमारे बजरंग बली महावीर ऐसे हनुमान जी की भूमि का यह क्षेत्र राजस्थान राजस्थान का एक जिला अलवर नाम है अलवर अलवर जिला लेकिन जिसके लिए जाना जाता वो महाराज श्री भरथरी की नगरी के लिए जाना जाता। क्या कहना इनकी शक्ति का। एक बात और है भरथरी महाराज यहां के कुल देवता हैं कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। एक बात बोले भरथरी महाराज ने यहां पर शरीर त्यागा वकील साहब हमें अभी बता रहे थे भरथरी महाराज ने यहां पर शरीर त्यागा लेकिन हमने जब भरथरी जी का चरित्र पढ़ा इनकी जिंदगी में भी लुगाई के कारण ही इन्हें संन्यास आया। तीन तीन पिंगला नाम की तीसरी रानी थी सबसे छोटी रानी से बड़ा प्रेम। हम एक व्यक्ति को कथा सुना रहे थे हमने कहा तुलसीदास जी का जीवन तो देखो कितना अच्छा है राम कथा उन्होंने कितनी अच्छी लिखी तो लोग हमसे एक जने बोले पंडित जी तुलसीदास जी की कम महिमा है उनकी लुगाई को कोई पूछता ही नहीं है। हमने कहा क्यों बोले तुलसीदास जी इसलिए बने कि लुगाई ने फटकार लगाई न लुगाई फटकार लगाती न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते हम भी बुंदेलखंडी गुरु हैं। हमने भी कह दिया सुनो अब वो आदमी भी अलवर का ही था अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो यहीं रहता था कि नहीं तो क्योंकि अभी दो दिन हमें रुकना भी है। वो आदमी भी अलवर का बोले गुरुजी तुलसीदास जी इसीलिए बन गए क्योंकि उनकी लुगाई ने फटकार लगाई। हमने कहा ठटरी के भरे लुगाई की फटकार लगाए अगर लोग तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कई लोग फटकार के साथ साथ पिटाई भी तो खा जाते हैं तो वे तो बड़े वाले तुलसीदास बन जाते। बोलो सीताराम जोर से बोलो सीताराम। लेकिन ये बात सही है कि रत्नावली की महिमा है तुलसीदास जी के जीवन में और दो चरित्र बहुत अद्भुत हैं हमारे सनातन में। रत्नावली के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी तुलसीदास हो गए और पिंगला के कारण श्री भरथरी महाराज भरथरी बाबा हो गए। धन्य है श्री भरथरी महाराज जी की यह भूमि अलवर और यहां तो देखो श्री हनुमान पांडुपौल जहां भीम ने अपनी गदा मारी गदा मारकर रास्ता साफ किया कितनी अद्भुत महिमा गदा मारकर रास्ता साफ किया पहाड़ को चीर डाला। धन्य है अलवर जिला जहां भक्ति का क्षेत्र है हनुमान जी का क्षेत्र है बाबा भरथरी का क्षेत्र है अलवर के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और रोको 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 ऐसी भूमि नहीं है इतने में भी किसी का कल्याण ना हो भला ना हो भाई इतने में भी तुम्हें सनातन में दिखाई ना पड़े 90 किलोमीटर दूर अपने मेहंदीपुर बालाजी यहां से नजदीक ही तो है ऐसी पावन वीर प्रसूता भूमि
अलवर की मिट्टी को हम अपने माथे पर लगाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे बाम भाग में बैठे हैं सब संत महात्मा, चंदन लगाएं, कोई माला लगाएं, कोई कमंडल लें, कोई झंडा लें, कोई डंडा लें, जय हो। सभी संतों के चरणों में नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम स्वीकार हो गए। एवं तीनों पंडालों में तीन कहे चार पांच लगे, गिनती नहीं है कितने पंडाल लगे। तो जितने भी पंडालों में जो जहां जहां बैठे हैं, कुछ लोग सामने खड़े हैं, कुछ लोग बगल में खड़े हैं, कुछ लोग अंदर आने के लिए लड़े हैं, और कुछ लोग रेलिंग नाप कर चढ़े हैं, कुछ लोग बेचारे पुलिस वालों से लड़े हैं फिर भी अड़े हैं, लेकिन इतना भी क्या कम है, बागेश्वर बालाजी के दरबार में फिर भी पड़े हैं। तो जो जहां जहां और संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा को सुन रहे, एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई के साथ हम प्रणाम करेंगे आप सबको। सिया राम मैं सब जग जानी कराऊं प्रणाम जोरी झुक पाई, हाँ कराऊं प्रणाम जोरी झुक पानी, कराऊं प्रणाम जोरी झुक पाई। सीताराम सीता सीताराम गाइए, जाहिं विधि राखे राम ताहिं विधि राहिए। सीताराम 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 गाइए, हनुमान जी महाराज की जय। हमारे भी भाग्य खुल गए, हम फिर से राजस्थान आ गए। पिछली बार हम सबसे पहली बार सीकर छोटी लोसल आए थे, उसके बाद पिछली बार सीकर भी गए और बारा भी गए, सालासर बालाजी भी गए। इस बार हमें अलवर की भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। उदयपुर भी गए हम, शायद अब तो तीन चार पांच बार हम आ चुके हैं, और इस अलवर में लाने का श्रेय राम सेतु का जो माध्यम बनाया, ऐसी समिति सर्व समाज राष्ट्र उत्थान सेवा समिति, उसके पूरे पदाधिकारी एवं हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम के प्रिय अनन्य शिष्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं श्री किशन गुप्ता जी, उनका पूरा परिवार बड़े सरल हैं, बड़े विनम्र हैं, और बोले गुरुजी भले ही दो दिन के लिए चलो, लेकिन चलो, लेकिन हमारा मन नहीं भरा। तो हमने आज किशन गुप्ता जी को दिन में कहा कि हम दो दिन की कथा तो करके जा रहे, क्योंकि आगे भी हमें जाना है, लेकिन हम वचन दे रहे तुम्हें कि हम पांच दिन की फिर से यहां कथा सुनाएंगे। बड़े खुश हो गए। और आज यहां के राजा श्री भुवन सिंह जी हैं, हाँ यहां के राजा हमें बताया, श्री भंवर जीतेंद्र जी भी यहाँ के राजा जो इस अलवर के हैं वो भी आए, और ये कथा सब समाज की और सब पार्टियों की, किसी भी पार्टी की नहीं, केवल सनातन हिंदुत्व वादी विचारधारा के लिए जी रहे, जो सनातन के लिए जी रहे, जो राष्ट्र के उत्थान के लिए जी रहे, जो राजस्थान के कल्याण के लिए जी रहे, ये पूरे अलवर जिले की कथा हो रही है। तो हमारे ऐसे प्रिय श्री भंवर जीतेंद्र जी
बड़े ही विनम्र हैं, वो भी आए बड़े सरल। तो पूरी टीम बैठी, पूरे यजमान परिवार बैठे, सब लोग बैठे बड़े आनंद के साथ। सबको और आप सबको श्री सीताराम। श्री सीताराम कैसे हो? आनंद में हो? रहना ही पड़ेगा, अपन कर भी क्या सकते हैं। जाहीं विधि राखे राम ताहीं विधि सीताराम। सीताराम, हमने दो दिन की कथा का जो विचार किया, कल तो दरबार भी है यहां, कल भी कथा सुनाएंगे, लेकिन हनुमान चालीसा की एक चौपाई हमें बार बार याद आ रही थी। हमने सोचा इस कथा को इसी चौपाई पर दो दिन बोला जाए। चौपाई सबको याद है, आहा। विद्यावान गुणी अति चातुर राम विद्यावान नहीं है, एक गुण और है इनमें। कितना अच्छा संकेत है, हनुमान जी महाराज विद्यावान है तो सो तो ठीक है, राम काज करवे को आतुर। हम लोग काम काज के लिए आतुर रहते, हनुमान जी राम काज के लिए आतुर रहते, यही हनुमान जी है। इसीलिए साधुओं हमने इस चौपाई को चुना गुरु कृपा से। आ श्री राम जय राम। रामायण में दो, रामचरित मानस में दो प्रसंग, एक हनुमान जी का एक रामण का। रामण है विद्वान और हनुमान जी है विद्यावान। अब जरा अंतर देखना, विद्वान कौन है और विद्यावान कौन है। याद रखना, जो अभिमान में भरा बैठा हो वो है विद्वान
और जो भगवान से भरा बैठा हो वो है विद्यावान। और रावण, रावण अभिमान से भरा बैठा, लेकिन हमारे हनुमान जी, हमारे हनुमान जी अभिमान से नहीं भगवान से भरे बैठे हैं। है? कितना अच्छा संकेत है। जो अभिमान से भरा हो वो विद्वान होता है, लेकिन जो भगवान से भरा होता है वो विद्यावान होता है। और हनुमान जी महाराज तो राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के। हनुमान जी महाराज के अंदर तो केवल राम का रसायन भरा हुआ। मेरे पागलो एक बात याद रखना, अगर तुमने पढ़ाई लिखाई करके किताबें पढ़कर PhD BEd कर ली और अगर तुम्हें पढ़ाई का अभिमान आ गया तो तुम विद्वान कहलाओगे, लेकिन अगर तुमने पढ़ाई करके विनम्रता आ गई और हृदय में भगवान भर गए, भक्ति भर गई, तो तुम विद्यावान कहलाओगे। एक बात और, विद्वान आदमी बोलने में तो चतुर होता है लेकिन टिकता नहीं है। अच्छा एक और है, आजकल दुनिया में जितने भी विद्वान हैं, कभी विद्वान विद्वानों की तुमने एकता नहीं देखी होगी। चिलम पीने वालों की एकता टूटती नहीं, पीने वाले चिलम को छोड़ो, यहां तो गुटखा खाने वाले ज्यादा हैं। अलवर में गुटखा खाने वाले यहां ज्यादा हैं, उनकी एकता, और चिलम पीने वालों की, सुल्फा पीने वालों की, पगुआ सुबह कितनी लड़ाई हो जाए लुगाई लुगाई की, है नाश की मिट्टी आगे के लगे, अब मत बैठना उसके साथ में नहीं तो हम घर छोड़ के भग जाएंगे। हाँ हम नहीं बैठेंगे चिंता, लेकिन रात के फिर आ जाता, आ भैया कहां दे दे नंबर बीजी। अरे बोले यार क्या बताइए, घर पे बहुत लड़ाई हो गई अपनी दोस्ती के कारण। अरे बोले लड़ाई तो होती रहती, ले आओ चिलम, ले आओ गांजो, ले आओ गांजो, नहीं माचो छोड़ा माचो लगा। कितने भी पीने वाले हैं इनकी कभी लड़ाई नहीं होती, कितनी भी लड़ाई हो जाए हमेशा एक ही रहेंगे। और विद्वान, विद्वान कभी एक नहीं मिलेंगे, टक्करी के होंगे, एक सा काम करते होंगे, इनमें हमेशा लड़ाई बनी रहती है। चाहे वो राजनीति का विद्वान हो, चाहे वो व्यापार का विद्वान हो, चाहे वो अध्यात्म का विद्वान हो, अगर वो विद्वान होगा एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें लगने लगता, हमारा मानना है, ऐसा मानना है, सम्मान आदमी अकेले पाना चाहता, गाली सामूहिक में। हमारा मानना है ये, क्यों ऐसा करते, क्योंकि सम्मान आदमी अकेले पाना चाहता। अरे तुम जाओ, तुम एक तरफ हो जाओ। जो केवल अकेले में सम्मान पाना चाहे वो केवल विद्वान होता है और अभिमान से भरा होता है। और व्यक्ति गालियां, गालियां सामूहिक में पाना चाहता, आहा मेरे प्रिय पागलो, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, धन्य है वीर बजरंग बली, क्या अद्भुत संकेत और क्या अद्भुत शिक्षा है। हनुमान जी के पास बल है, बुद्धि है, विद्या है, ज्ञान है, विज्ञान है, लेकिन हनुमान जी महाराज विनम्र हैं। यही हनुमान जी का संकेत है कि विद्वान बनकर के विनम्र हो जाओगे तो तुम विद्यावान कहलाओगे। हैं? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और बोले, कह दो बोलो, कुंडली में शनि, कुंडली में शनि, दिमाग में मणि, कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और मूरख से दुश्मनी। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और मूरख से दुश्मनी, ये तीनों अगर तुम्हें मिल जाए तो समझ जाइयो तुम्हारी जिंदगी जीते जी नरक है। उपाय क्या है? उपाय तुम पूछोगे, महाराज हम तो तीनों से ग्रसित हैं, अलवर वाले तो महान होते ही हैं, अलवर का एक आदमी हमें मिला, हमने कहा क्यों भाई अस्पताल में क्यों भर्ती हो? अरे बोले कुछ मत पूछो, रात को मच्छर काट रहे थे। हम कहा मच्छर काट रहे थे तो ज्यादा काट लिया, मलेरिया हो गया क्या, डायरिया का हो गया क्या? अरे बोले मलेरिया नहीं हुआ। हमने कहा फिर? बोले मच्छर ज्यादा काट रहे थे, हमारा दिमाग खराब हो गया, हमने जहर पी लिया के लिए अब काट। बताओ हमका जहर क्यों पिया? बोले इसीलिए पिया था ताकि मच्छर काटेंगे तो मर जाएंगे। हमका उसके पहले? बोले उसके पहले हमारे खात्मा होने लगा है। अलवर के लोग तो महान होते हैं। बोलो सीताराम,
इसीलिए मेरे पागलो, दिमाग में मनी, कुंडली में शनि और मूर्ख से दुश्मनी खतरनाक होती है, लेकिन इन तीनों से बचना है। एक ही उपाय है, अगर तुम्हारे पास पद आ जाए, धन आ जाए, विद्या आ जाए, एक काम करना, झुक जाना, जो विनम्र हो जाता है वो इन तीनों से ऊपर हो जाता है। आहा, एक बात हो, मूर्ख को समझाई से मूरख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए, ओ कोयला होए न उजरो नो मन साबुन खाए। अब कोई भैंसिया पे सर्फ एक्सल लगाए, क्यों भाइट निकल आएगी? बताओ कहीं भैंस भाइट होगी? बोलो भाई, यहां अलवर का सर्फ एक्सल इतना तेज हो तो हनुमान जी जाने, हमारे यहां मध्य प्रदेश में तो नहीं है। कितना भी साबुन लगाओ पर भैंस काली से गोली नहीं होती। अच्छा, भैंसिया को फेल लवली लगाई जाए, विचार करो क्या गोरी होगी। और ये भारत भी बड़ा अजीब देश है, बुरा मत मानना है आप लोग। एक एक मैडम आती है टीवी पर, बहुत पुरानी बात है, टीवी पे आती है, टीवी पर आती है, अब वो प्रचार करती है, हम नाम नहीं लेंगे वरना केस कर देंगी, वो प्रचार करती है, प्रचार एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में कहती है अमुक अमुक तेल लगाइए, काले घने बाल पाइए, उनका खुद का खसम गंजा है। बताओ अब उन्हें कौन समझाए, अब बताओ उन्हें कौन समझाए। एक सज्जन बैठे थे, फटे हुए कपड़े पहने, पुराने कपड़े पहने, मेला चेला कुचेला कुर्ता पहने, उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम था अमीर बनने के 100 उपाय। तो हमारे जैसा एक आदमी गया, हमने कहा एक बात बताओ, अमीर बनने के 100 उपाय तुमने किताब में लिखे, पहले तुमने खुद उपयोग क्यों नहीं कर लिए, जो फटे कपड़े पहन रहे। बोले दरअसल एक उपाय तो यही है कि किताब बना के बेचो, सो अमीर बनेंगे। तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, रामायण कहती है हम दूसरों को ज्ञान देते हैं खुद नहीं चलते, जो दूसरों को ज्ञान दे खुद ना चले वो अभिमानी होता है, और जो दूसरों को ज्ञान दे और खुद भी चले वो स्वाभिमानी होता है। और हमारे श्री हनुमान जी महाराज, आहा, जो ज्ञान दूसरों को देते उस पर चलते भी हैं। तो खुद को समझदार समझना, दूसरे को मूर्ख समझना, ये महान मूर्खता है। इसलिए मेरे पागलो, रावण विद्वान है और हनुमान जी महाराज विद्यावान है, विद्यावान गुणी अति चारु। नजर क्या है जरा देखिएगा, आहाहा, एक बार एक गुरुदेव ने 3 गिलास में दूध रखा, सोने के गिलास में, चांदी के गिलास में और तांबे के गिलास में। अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कहा, जाओ एक एक करके जाओ, दूध पी कर आओ। पहला शिष्य गया, सोने के गिलास का दूध पी लिया। दूसरा शिष्य गया, सोने का गिलास खाली था, मन थोड़ा परेशान हुआ, पर चांदी के गिलास में दूध भरा था, उसी को पी लिया। तीसरा शिष्य गया, दोनों गिलास खाली, दिमाग परेशान, पर तांबे के गिलास का दूध पी लिया। वापिस आए, गुरुजी बोले बताओ दूध के बारे में। तो पहला बोला, हमारे तो भाग्य बहुत अच्छे हैं, सोने के गिलास का दूध पिया हमने।
दूसरा बोला हमें सोना नहीं मिला तो क्या हुआ, पर चांदी तो मिली। तीसरा बोला हमें ना सोना मिला ना चांदी, हमारा तो भाग गई बेकार है, तांबा मिला। गुरुजी बोले ठटरी के भरे तुम्हें गिलास दिखाई दिए, गिलास में भरा हुआ दूध नहीं दिखाई पड़ा। अरे पात्र जरूर सोना चांदी तांबा के थे, पर दूध तो एक ही गाय का था। जिसकी नजर केवल पात्र पर होती है वह विद्वान होता है, लेकिन जिसकी नजर पात्र में भरे हुए दूध पर के गुण पर होती है वह विद्यावान होता है। और हनुमान जी महाराज, आहा हनुमान जी महाराज लंका में भी क्या मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखी जहां तहां अगिनित जोधा। हनुमान जी ने तो लंका में भी मंदिर खोज लिए, बताओ रावण के राज्य में भी मंदिर मिल जाए, ये हनुमान जी की दृष्टि है। देखो नजर का खेल है, नाला भी सुंदर होता है, नाला जानते हो, नाला गंदा नाला कीचड़ से भरा नाला भी सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। नाला भी सुंदर होता है, नजर सुअर वाली होनी चाहिए, लेकिन धन्य है वीर बजरंग बली, उन्होंने तो लंका में भी राम को खोज लिया। यही हनुमान का काम है। क्या रामायुधे अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराय, देखी हरस कपिराय। धन्य है वीर बजरंग बली, उन्होंने तो लंका में भी राम राम खोज लिया, और हम लोग भारत में भी राम राम नहीं कह पा रहे, ये देश की दुर्दशा है मेरे पागलो। जब वीर बजरंग बली लंका में भी राम नाम का झंडा गाड़ सकते, तो राजस्थान के लोगों, अलवर के लोगों और भारत के लोगों, क्या हम अपने दिलों में राम नाम की भक्ति नहीं जगा सकते है? अरे हम लोग कहते हैं राम 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 राम, कहेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, हिंदू कहेंगे सनातनी कहेंगे। अरे भाई हम किसी से बुराई नहीं कर रहे, किसी से मजहब से मतलब नहीं, किसी से परेशानी नहीं, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। लोग हमसे कहते हैं आप विवादित बात बोलते हो, हम विवादित बात नहीं, हम तो जगाने वाली बात बोलते हैं, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें तो तुम्हारे दिलों में राम की भक्ति से मतलब है। और मेरे पागलो मैं तुमसे प्रार्थना करूं, अगर कुंभकर्ण से ज्यादा कोई सोया है तो वर्तमान में सनातनी सोया है, इसलिए जागो और अपने मस्तक पर टीका लगा करके घर से बाहर निकलो। आहा धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी ने लंका में भी राम नाम को खोज लिया। अच्छा विद्वान और विद्यावान क्या है? रावण रावण विद्वान है, विद्वान के लक्षण क्या है? रावण के लक्षण देखो थोड़ा, दशानन, रावण का नाम क्या है? दशानन। अच्छा रावण को दशानन क्यों कहते? क्योंकि इसके दस सिर हैं। एक सज्जन पूछ रहे थे एक महात्मा से, महाराज क्या रावण के दस सिर थे? महात्मा बोले भैया हमने देखा नहीं है। व्यक्ति बोला, महात्मा बोले क्यों तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले हमें दिक्कत यह है कि अगर वो सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा। तर्क सही भी है। तो रावण के दस सिर, ये दस सिर क्या है? छह वेद और चार, छह शास्त्र और चार वेद, चार वेद और छह शास्त्र, यही मिलाकर के होते हैं दस, बस यही रावण के सिर हैं। चार वेद और छह शास्त्र जिसकी खोपड़ी में भरे हो वही तो है दशानन। वही कौन है? बोलो 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 बोलो, दशानन। जिसकी खोपड़ी में चार वेद छह शास्त्र भरे हो, और रावण की खोपड़ी में चार वेद छह शास्त्र हैं, इसलिए उसका नाम क्या है? बोलो बोलो, दशानन। अच्छा लेकिन रावण छह शास्त्र चार वेदों का ज्ञाता है इसलिए दशानन कहलाता, लेकिन इसने हरण किसका किया? जानकी माता का। ये जानकी माता कौन है? शांति, शांति का प्रतीक है।
प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी शांति का प्रतीक है। देखो जो विद्वान होता है वो दूसरों की शांति का हरण करता ही है। जो दूसरों की शांति का हरण करे वो है विद्वान, और जो दूसरों की शांति को बिछड़े हुए को मिलवाने का काम करे वो हनुमान है विद्यावान। कौन है? है वो हनुमान जी क्या है? विद्यावान गुणी अति चातुर, वो हनुमान जी विद्यावान है। विद्वान बड़े खतरनाक होते हैं। दो विद्वान एक राजा के घर गए अलवर में, राजा के यहां दो विद्वान चंगीलाल मंगीलाल, दो विद्वान राजा के घर गए भोजन करने। एक विद्वान स्नान करने गया, राजा ने कहा तुम्हारे जो साथ में है वो बहुत विद्वान है, जो नहाने के लिए गए लगता है बहुत विद्वान है। अब देखना विद्वानों की बुद्धि। अरे बोले कहां विद्वान है, मूरख है, बैल है, बैल पक्का बैल है वो, तो हमने सोचा एक से भले दो तो साथ में ले आए। राजा बोला जय हो। जब वो नहा कर आए, ये नहाने गए, तो राजा जैसे ही नहाने गए तो राजा जो नहा कर आए थे उनसे बोला महाराज जो तुम्हारे साथ वाले हैं वो तो बहुत विद्वान है। अरे बोले कहां विद्वान है, घोड़ा है, घोड़ा पक्का घोड़ा है। राजा बोले जय हो। जब बाद में भोजन करने बैठे तो एक के सामने चना डाल दिए, दूसरे के सामने भूसा डाल दिया। दोनों विद्वान नाराज हो गए, मूर्ख हो क्या, शर्म नहीं आती तुम्हें, राजा होकर के हमारी बेइज्जती करते, क्या भोजन देते हो। राजा बोला महाराज आपने ही तो बताया ये बैल है, आप कह रहे थे ये घोड़ा है, उसी हिसाब से हमने भोजन दे दिया। विद्वानों में कभी एकता नहीं होती। विद्वान क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि में रहता है कि सम्मान हम अकेले पाएं, तो विद्वानों में कभी एकता नहीं होती है। लेकिन मेरे पागलों हनुमान जी जैसी जरा कला देखिएगा, हनुमान जी महाराज में एकता है, विद्वत्ता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर विनम्रता है, जिसके अंदर विनम्रता होती है वही विद्यावान बन जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात और बोलें, कह दो बोलो, गाल पे मच्छर बैठा हो, गाल पे मच्छर बैठा, अब मारो, मच्छर मरे ना मरे पर पिटाई तुम्हारी होगी। विद्वान व्यक्ति विनम्र नहीं होगा तो विनाश खुद का ही होगा, और विद्वान व्यक्ति अगर अपनी विद्या का प्रयोग राम काज में और राष्ट्र हित में लगाएगा तो वो पूजा भी जाएगा और चारों युगों में उसका परिताप भी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, रावण को कोई पूजता है और हनुमान जी को? ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की। क्यों? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान कौन है? आहा, हनुमान जी महाराज लंका में गए, रावण के सामने नाग पास में बंधे हुए, हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र में बंधे हुए गए। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानयो महिमा मिटे अपार। रावण के सामने हनुमान जी गए और विनती करूं, हनुमान जी रावण के सामने देखो कैसे खड़े, विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। कितनी अद्भुत बात है,
हनुमान जी रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। रावण बोला, हमारे सामने तो अच्छे अच्छे हाथ जोड़े रहते, ये देखो देवता हाथ जोड़े हैं। हनुमान जी बोले, सबके हाथ जोड़ने में हमारे हाथ जोड़ने में अंतर है। रावण बोला, क्या अंतर है? हनुमान जी बोले, जो बाकी हाथ जोड़े हुए हैं वो भय से जोड़े हैं और हम जो हाथ जोड़े हैं वो भाव से जोड़े हैं। रावण बोला, भले ही भाव से जोड़ो चाहे भय से जोड़ो, जोड़ो तो हम जोड़े तो हमारे ही सामने हैं। हनुमान जी बोले, सुनो। रावण बोला, पहली हमारी सुनो। कर जोरेश्वर दिसिप विनीता ब्रकुटी बिलो कत सकल संभीता। कर जोरेश्वर दिसिप विनीता ब्रकुटी बिलो कत सकल संभीता। हनुमान जी बोले, रावण तुम्हारी तो भ्रुकुटी बिलास भ्रुकुटी को देख रहे हैं सब देवता, लेकिन हम तुम्हारी भ्रुकुटी को नहीं देख रहे। रावण बोले, किसको देख रहे है? हनुमान जी बोले, जाके बल लवनी सिते जीता चरा चर झार। हे रावण, जिसके बल के प्रताप से तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया है, रावण हम उन्हीं प्रभु श्री राम को हाथ जोड़े खड़े हैं। रावण बोला, एक बात बताओ, डर नहीं लगता है? हनुमान जी बोले, तुम बताओ, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? रावण बोला, हमें काहे का डर, हमारे सामने अच्छे अच्छे डरते। हनुमान जी बोले, अच्छे अच्छे डरते, हम नहीं डरते। अच्छा हाँ, रावण को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। रावण ने तुरंत मौत को बुलाया, मौत इधर आओ। मौत बोली, आज्ञा हुजूर। मौत बोली, हनुमान जी आज्ञा करो। रावण बोला, हनुमान जी के बगल में खड़े हो जाओ। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण बोला, क्यों हनुमान जी, बीपी हाई भाव? हनुमान जी बोले, हम आओ तो ज्यो को त्यों नॉर्मल चल रहा, तुम्हारा ठीक है? रावण बोला, क्यों? अब मौत को देख करके भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम्हारे बगल में मौत खड़ी है। हनुमान जी हंसकर बोले, रावण, मौत जरूर हमारे बगल में खड़ी, पर देख तुम्हें रही। खड़ी हमारे बगल में, देख तुम्हें रही। तो रावण बोला, क्या कह रही है? हनुमान जी बोले, हमसे कह रही कि अभी रावण का मिसला फिट कर दें के बाद में है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और कितना अच्छा संकेत है, जो विद्यावान होगा, जिसके पास विनम्रता होगी, वो रावण जैसे अभिमानी के सामने भी नहीं डरेगा। और जो विद्वान होगा वो डर खाएगा। रावण बोला, सुनो, हाँ, तुम हमें जानते नहीं, हम रावण हैं, हमने सब लोगों को जीत लिया। हनुमान जी बोले, जीत लिया होगा। रावण को सिखाया हनुमान जी ने। रावण मारे गो क्रोध में, रोष में बोला, मृत्यु निकट आई खल तो ही उल्लागसी अधम सिखा मन मोही। अरे खल, खल मतलब मूर्ख। अरे मूर्ख, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई। हनुमान जी बोले, उल्टा हुई है कहे हनुमाना। हनुमान जी बोले, रावण हम आई नहीं, तुम आई आ गई। रावण बोलो, बड़ा विचित्र बंदर है, डरता ही नहीं है, अच्छे अच्छे डर गए हमारी ललकार से। रावण बोला, बंदर तुम जानते नहीं, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले, तुम्हारे तो चलने पे डोलती, हमारे सरकार के भाई साहब लक्ष्मण जी बोलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। बताओ, तुम्हारो बाप तो वे ही है, है? तुम बलवान के हमारे सरकार बलवान। रावण बोला, अब भी डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, तुम बताओ, तुम्हारा बीपी ठीक है? देखो, एक बात याद रखना, जो सत्य पर चलता है, जो राम का उपासक होता है, वो दुनिया में किसी भी ताकत से नहीं डरता है, क्योंकि सबसे बड़ी सत्ता का नाम प्रभु राम। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो,
अगर तुम्हें भी भय से बचना हो, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको भय है, जो पद पे बैठे उन्हें डर है कहीं हमारा पद ना छूट जाए, जो अमीर है भी सोच रहे हैं कहीं हम गरीब ना हो जाए, जो सुखी है बॉडी बढ़ा रहे बॉडी बिल्डर भी सोच रहे कहीं हम बिल्कुल बांस जैसे बागेश्वर महाराज जैसे ना हो जाए, और जो हमारे जैसे है भी सोच रहे कहीं पेट ना बढ़ जाए। बड़ी आफत है, सबको डर लगा हुआ है, किसी को पेट का डर, किसी को वजन घटने का डर, तो किसी को वजन बढ़ने का डर, किसी को पद से हटने का डर, तो किसी को किसी का डर। मेरे पागलो, अलवर के पागलो, हम एक ही प्रार्थना तुमसे कहेंगे, अगर तुम्हें भी डर है तो घबराना नहीं, अजय अभय प्रभु श्री राम की शरण में आ जाना, तुम भी हनुमान जी जैसा ललकारोगे। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आहा, तो रावण बोला बिल्कुल डर नहीं, रावण गाली बक रहा, मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो सिखावन मोही, लागस अधम सिखावन मोही, लागस अधम सिखावन मोही, लागस अधम सिखावन मोही, मैं तू निकट आई फल तो ही, 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 फल तो ही, फल तो ही, फल तो ही। रावण कहता मृत्यु निकट आई तुम्हारे हनुमान, और हनुमान जी कहते रावण तुम्हारी आई है, एक बात याद रखना मेरे पागलो, यही अद्भुत संकेत है, हनुमान जी विद्यावान क्यों हैं, जो दूसरों की गाली सुनकर के भी मुस्कुरा दे वो है विद्यावान। कुछ लोग गाली सुनकर लाल हो जाते, कई लोगों का गाली सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। मेरे प्रिय बांधु, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, कोई तुम्हारी निंदा करे परेशान मत हुआ करो, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। अब जो मर गए उनकी क्या निंदा, मरने के बाद तो लोग महिमा गाते हैं, अरे भैया बहुत सज्जन आदमी थे मर गए, भंडारे करवाते थे, जब तक जिंदा रहे तब तक नहीं कहा भंडारे करवाते हैं, मर जाते फिर लोग महिमा गाते। याद रखना अगर तुम्हारी निंदा है समझना तुम जिंदा हो, और निंदा बंद हो जाए समझ जाइयो मर गए, जीते जी ही मर गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो विद्यावान कौन, आहा विद्वान वो जो एक बात सुनकर के आग लग जाए, और विद्यावान वो जो गाली सुनकर के भी मुस्कुराए, और वही कला हमारे वीर बजरंग बली में है, रावण की गाली सुनकर के भी हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, यही विद्यावान है। विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे आतुर, राम काज करिबे आतुर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और, विद्वान बहुत लोग बन जाते हैं पढ़ाई करके, डीएड बीएड पीएचडी न जाने कौन कौन सी पढ़ाई चल गई, उनको करके विद्वान तो बना जा सकता है, विद्वान पढ़ाई करके बना जा सकता है, लेकिन विद्यावान बिना भगवान की कृपा के असंभव है।
बिना गुरु की कृपा के विद्यावान बनना असंभव है। और मेरे पागलों, हम किसी और की चर्चा नहीं, हम अपनी निजी जिंदगी की चर्चा करते हैं। हम ना कभी पढ़ पाए, ना कभी हम कड़ पाए, ना कभी हम निकल पाए, लेकिन गुरु की कृपा है आज बोलने लायक बन पाए, तो ये हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। इसीलिए हम तुम्हारे लिए भी अर्जी लगा रहे हैं हनुमान जी के चरणों में। क्या वो कर दो बेड़ा पार, उठाओ दोनों हाथ। कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार, 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 तुम्हारी महिमा। कौन कौन बागेश्वर धाम का पागल है, उठा दो ना हाथ। ओ किरण कहीं भी नहीं, ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, आकर 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 कर दो तुम जो ताली ना बजाए ना उसे अपने अपने बगल वाले की कसम। अब उठाओ दोनों हाथ, आकर कर दो तुम उपकार, आकर कर दो तुम उपकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, कर दो मेरा पार।
से प्रार्थना करो। जीवन नैया डूब रही है मेरी भव सागर में, जीवन नैया डूब रही है मेरी भव सागर में, जीवन नैया डूब रही है मेरी भव सागर में, जीवन नैया डूब रही है मेरी भव सागर में, हरि भजन का अमृत भर दो अपने इस सागर में, भजन का अमृत भर दो अपने इस सागर में। कौन कौन अपना बेड़ा पार लगवाना चाहता है? ओ आकर बन जाओ बदला। सुनी है जैसे सबकी तुम सुन लियो, गुरुवर की सुनी है जैसे सबकी तुम सुन लियो। कौन कौन अर्जी लगाना चाहता है? मेरा भोला है भंडारी, से प्रार्थना करो। दास धीरेंद्र की सुनी है जैसे सबकी तुम सुन रही हो, गुरुवर की सुनी है जैसे सबकी तुम सुन रही हो, जो आए हनुमंत कथा में, जो आए हनुमंत कथा में मेरा पार लगियो, जो आए हनुमंत कथा में मेरा पार लगियो। सबकी सरकार मेरे बागे सरकार मेरे बागे सरकार।
जाओ। ओ कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार, कर दो बोलो मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, तुम्हारी महिमा, तुम्हारी महिमा अपरंपार, मेरे बागेश्वर सरकार, तुम्हारी महिमा अपरंपार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार। साधु जी सितारा एक बात बोले, किताब से पढ़ कर के लोग विद्वान बढ़ते हैं, किताब से पढ़कर लोग विद्वान बनते हैं, लेकिन किताब के साथ साथ जो गुरु ज्ञान लेते हैं वह विद्यावान बनते हैं। और हनुमान जी महाराज धन्य हैं वीर बजरंग बली, हाँ केवल किताब की पढ़ाई नहीं की। राम जी भी इस धरती पर आए तो गुरु ग्रह है पढ़न गयउ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम जी भी इस पृथ्वी पर आए तो गुरु के पास पढ़ने के लिए गए। मेरे पागलो, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में जब गुरु का सानिध्य लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम विद्वान नहीं विद्यावान कहलाएंगे। और हनुमान जी विद्या ददाति विनयम, हनुमान जी बड़े विनम्र हैं। देखो जो पढ़कर विनम्र हो जाए वो विद्वान विद्यावान, और जो पढ़कर अकड़ जाए वो विद्वान। हनुमान जी पढ़कर विनम्र हो गए इसलिए इन्हें विद्यावान की उपाधि दे दी, लेकिन रावण रावण पढ़कर के अकड़ गया। अरे हम है तो कोई नहीं, रावण कभी झुका नहीं जिंदगी में, कभी नहीं झुका। जब रावण देवताओं के ऊपर हमला करने जाता था तो देवता भागते थे, देवता आगे आगे रावण पीछे पीछे, रुक जा रुक जा रुक जा। देवता बोले हम नहीं रुक रहे, प्राण थोड़ी निकाल ले। और देवता जाएं गुफाओं में घुस जाएं तो क्या रावण गुफाओं में पकड़ नहीं पाता था? रावण पकड़ तो पाता था पर गुफा का दरवाजा छोटा रावण बड़ा, और रावण की एक आदत थी वो झुकता नहीं था। तो देवता छोटी सी गुफा में भीतर हो जाए, फेंके आजा दम हो तो आजा 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 दम हो। अब उन्हें पता है कि ये झुक सकता नहीं, रावण इतना खतरनाक अहंकारी आदमी के वो झुका नहीं, सिर कटवा चाहे देता था। शंकर जी के सामने भी जाता था, गुरु जी के सामने, और गुरु जी के सामने भी प्रणाम नहीं करता था, सिर काट के चढ़ा देता था। लो प्रणाम सीधो रखो, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और कितना अच्छा संकेत है, जो झुके ना वो अभिमानी, और जो झुक जाए वो स्वाभिमानी। बोलो सीताराम। देखो बर सही जलद भूमि नियराई, जथा न वही बुध विद्या पाए। जो बादल भर जाते ना वो बरसते, जिस पेड़ में फल लग जाते वो झुक जाता है, जिस पेड़ में फल लग जाए ना वो झुक जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। उसी प्रकार जो आदमी बड़ा वास्तविक बन जाता है वो भी विनम्र हो जाता है, और जो अकड़ा रहे अभिमान में एकदम तड़ी पड़ी बातें बोले हम ऐसा कर देंगे, हम पृथ्वी उलट देंगे पलट देंगे ऐसा कर देंगे, समझ जाना ज्यादा लेवल का आदमी नहीं है। बोलो सीताराम। दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक आदमी मिलेगा कुछ नहीं बोलेगा, सुनेगा ज्यादा बोलेगा कम। और हम एक दिन विचार कर रहे थे दाऊ साहब यजमान जी, हम एक दिन विचार कर रहे थे अपने ऊपर, शीशा के सामने बैठे थे,
हम शीशा में देख रहे थे अपने आप को, हमने देखा दो कान एक मुंह, मतलब सुनने के लिए दो व्यवस्था, बोलने के लिए एक। मानो ब्रह्मा जी कहना चाहते हो सुनो ज्यादा बोलो कम। और आज के जमाने में आदमी बोलता ज्यादा है सुनता कम है। एक माता जी हमारे पास आई मुन्नी बाई अलवर की, आजकल यही रह रही अलवर में, मुन्नी बाई देखो तो जी बच्चे देखो तो चंगीलाल मुन्नी बाई बना के ले आए छोटे छोटे बच्चे। वाह वाह जय हो जय हो। अलवर के हो क्या बेटा, कहां के हो? हैं जयपुर हो तो राजस्थान के। हाँ ऐसे लोग यहीं पाए जाते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दोनों बच्चियों को यहां ऊपर भेज दो भेज दो भेज दो, छोटे बच्चे हैं मेहनत से आए हैं, आ जाने दो मंच पर। बड़े बड़े लोग तो मंच पे आ ही जाते हैं, कभी इनको भी आने दो। बोलो सीताराम। तो हम क्या बोल रहे थे? आहा भैया जरा माइक ठीक कर दो। आहा देखो कितनी अच्छी व्यवस्था, भगवान ने कान कितने दिए? अरे बोलो। और मुंह क्या कह रहे हैं भगवान? सुनो ज्यादा बोलो कम। और हम लोग बोलते ज्यादा सुनते कम। एक बार अलवर की मुन्नी भाई हमारे पास आई, बोली महाराज ऐसा कौन सा व्रत करें कि घर में लड़ाई ना हो, ऐसा कौन सा व्रत करें कि लड़ाई ना हो। हमने कहा देवी जी और कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, आप मौन व्रत करो। और कोई तुम्हें मंगल गुरुवार रहने की जरूरत नहीं है, आप मौन व्रत कर लो, मौन व्रत कर लो बस घर में लड़ाई बंद हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो बरसहि जलद भूमि निराई, जथा नवहि बुध विद्या पाई। उसी प्रकार जिसके पास विद्या आ जाती है, जिसको विद्या मिल जाती है, जिसको ज्ञान हो जाता है, वो विनम्र हो जाता है, मौन हो जाता है। और मौन होकर मुस्कुराते हुए मीठा मीठा अंदर ही अंदर गुड़ खाता है। और अध जल गगरी छलकत जाए, किसी मटकी में आधा पानी भरा हो तो फिर तुम चलो तो बड़ी हिलोरें मारती है, और किसी मटकी में फुल पानी भरा हो वो कम हिलोर मारती है। यही जिंदगी का सार है, जो कम विद्वान होगा वो ज्यादा मुंह चलाकर अपनी महिमा मंडन करेगा, अपनी महिमा गाएगा, लेकिन जो वास्तविक विद्वान होगा वो मौन हो जाएगा। यही विद्वान और विद्यावान में अंतर है। एहा विद्यावान राम काज करबे को आतुर, एहा विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करबे को आतुर, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो समझे ना सत्य को वह विद्वान, जो सत्य को समझ करके दूसरों को समझाए वो है कौन है? अरे बोलो, वह है विद्यावान। एक और बदला लेने में कोई मजा नहीं। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया ना, बदला मत लिया करो, हमारी बात नोट कर लो। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, बदला लेने के लिए परेशान मत रहो, निराश मत हो, रातों भर सो जाग रहे, टेंशन में हो, चिंता में हो, उसने ऐसा कर दिया, हम उसको दिखा देंगे, हम उसको बता देंगे, हम उसको लाइन में लगा देंगे। मेरे पागलो, बदला लेने में कोई मजा नहीं है, मजा तो तब है जब तुम उसको बदल डालो। हैं? बदला लेने में मजा नहीं है, उसको बदल डालो तब मजा है। एक आदमी हमारे साथ रहता था, वो कहता था हम मानते नहीं भगवान होते कि नहीं होते। हमने ये नहीं कहा कि नहीं मानते तो तुम हमारे पास से भाग जाओ, ये हमारे पास मत आओ, हमने ये नहीं कहा उसको। भैया हमने उसको कहा तुम्हारी समझ है,
भगवान नहीं होते, ये तुम्हारी सोच है। लेकिन जब उनके ऊपर आफत पड़ी और जब भगवान ने सहायता की तो अपने आप वो बदल गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कोरोना काल में अच्छे अच्छों को बजरंगबली याद आ गए और बागेश्वर धाम के दरबार में जो नहीं मानते थे उन्हें भी पता लग गया कि भगवान होते हैं। इसलिए मेरे पागलो, हमारी प्रार्थना है किसी से बदला लेने के लिए टेंशन में मत रहो। आपको कोई घर में गाली दे देता है, जवाब देने को आतुर हो जाते, मारने को आतुर हो जाते, उसका बदला चुकाने को आतुर हो जाते, और आधे से ज्यादा समय बर्बाद तुम इसी में कर डालते कि दूसरे से बदला कैसे चुकाएं, अपने मित्र को कैसे नीचा दिखाएं, अपने परिवार को कैसे नीचा दिखाएं, अपने दुश्मन को कैसे नीचा दिखाएं। हम आधी से ज्यादा जिंदगी अपनी ऊर्जा इसी में लगा देते हैं दूसरों को नीचा दिखाने। और मेरे पागलो, तुम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जितनी ऊर्जा लगा रहे, जितना टाइम बर्बाद कर रहे और जितने परेशान और बेचरित हो रहे हो, जितनी जगह भटक रहे हो और जितनी ताकत लगा रहे हो, उससे आधी भी ताकत अगर खुद की सफलता के लिए लगा दोगे, सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। हमारे गुरुदेव कहते थे दूसरों को हराने के लिए जीना नहीं चाहिए, खुद को जीतने के लिए जीना चाहिए। स्वयं जीत जाओगे, सामने वाला अपने आप हार जाएगा। और दूसरों को हराने के लिए अगर ताकत लगाओगे तो एक दिन तुम हार जाओ। दूसरों को हराने के लिए प्रयत्न नहीं करने चाहिए, खुद को जीतने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और अलवर के पागलों, एक बात और हम अपने मत की कहते हैं जो तुम्हें काम आएगी बहुत जिंदगी भर। आगे दशहरा आने वाला, दशहरा में लोग आएंगे आपके पास, कहेंगे अच्छाई को बुराई को मारो, अच्छाई को जगाओ। अंदर के रावण रूपी बुराई को मारो, अच्छाई को जगाओ, ऐसा कहेंगे। लेकिन हमारा सिद्धांत उल्टा है, हम बुराई को मारे ही क्यों? लोग हमसे कहते हैं दशहरा है, अंदर के रावण को मारो, हम कहते हैं अंदर के रावण को मत मारो, अंदर के राम को जगाओ, रावण अपने आप मर जाएगा। आप अंदर के राम को जगाओ, रावण मर जाएगा, रावण अपने आप। देखो भाई, अंधेरा है बहुत ज्यादा, अंधेरा है तो अब तुम मार्च लेकर के झंडा लेके अंधेरा मुर्दाबाद 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 इसे जोर के नारे लगाने से अंधेरा नहीं भागेगा। माचिस लाओ, दिया जलाओ, अपने आप अंधेरा भाग जाएगा, कोई भी नारेबाजी करने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार भारत के लोगों, हमने नियम बनाया है कि हमें किसी भी मजहब के व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाना है, अपने सनातन को ऊंचा उठाना है। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, अपने सनातन को ऊंचा उठाना है। और हम अगर अपने सनातन को ऊंचा उठा देंगे तो अलवर के पागलों, दुनिया की कोई भी ताकत कोई भी मजहब तुम्हारे सनातन के ऊपर आप उठा करके नहीं देख सकता। लेकिन वो तभी होगा जब आप में एकता होगी। और बातों से, प्रवचनों से, जिंदाबाद के नारे लगाने से सनातन की एकता नहीं आएगी। मेरे पागलों, तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मस्तक पर टीका लगाना पड़ेगा और तुम्हें सनातन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही दिन निकलते जाएंगे और एक दिन तुम्हारा हाल भी विचित्र हो जाएगा, कश्मीर जैसा हो जाएगा। और मेरे पागलों, तुम्हारी बहन बेटी के साथ भी साक्षी जैसा हाल होगा और तुम्हारी रामचरितमानस जिस प्रकार पट रही, जिस प्रकार तुम्हारे मंदिरों पर पत्थर लगाए जा रहे, कल तुम्हारे घर पर भी चलाए जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, जाग जाओ, किसी को नीचा मत दिखाओ, लेकिन सनातन को आगे बढ़ाओ। और आप सनातन को आगे बढ़ाओगे फिर किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए बदला लेने में मजा नहीं है, दूसरे को बदल डालने में मजा है। मेरे पागलो, जो बदला लेता है वो सिर्फ विद्वान है, लेकिन जो दुनिया को बदल डालता है वो हनुमान विद्यावान है, वो हनुमान सिर्फ विद्यावान है जो दूसरों को बदल डालता। कितनी की जिंदगी नहीं हनुमान जी ने बदल डाली, अरे और की तो छोड़ो, हमारे जैसे नालायक की जिंदगी हनुमान जी ने बदल डाली है। कितनों के सहारे वीर बजरंग बली नहीं है,
मेहंदीपुर बालाजी कितने लोगों की आस्था नहीं, कितने लोगों के सहारा मेहंदीपुर बालाजी नहीं है। अरे कौन था अपना, जब कोई काम नहीं आता ना, जब सब हाथ उठा लेते हैं, जब सब सिर्फ तमाशा बनकर के देखते हैं, तब अपने बजरंग बली काम आते हैं, हनुमान जी काम आते हैं। और मेरे पागलों याद रखना, पैसा पद प्रतिष्ठा तब तक की है जब तक तुम्हारी जेब गरम है और तुम्हारे चेहरे पर चमक है। जिस दिन जेब खाली हो जाएगी कोई साथ नहीं देगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होगी, तब तुम्हारे साथ सिर्फ हमारे वीर बजरंग बली खड़े होंगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, राजस्थान के लोगों, दुनिया के भरोसे मत जियो, जीना ही है तो वीर बजरंग बली के भरोसे जियो। सब द्वारन को छोड़ी के मैं आयो तेरे द्वार, सब द्वारों को छोड़ो, द्वार अगर किसी का पकड़ना ही है हनुमान जी का पकड़ो। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। जो सबसे गरीब होता है वो गरीबी में छोड़ देता माई बाप, गरीबों के तो सिर्फ परमात्मा होते हैं, गरीबों के सिर्फ हनुमान जी होते हैं। याद रखना, ये दुनिया के लोग तुम्हारा तब तक साथ देंगे जब तक तुम्हारे पास कुछ है, इसके बाद कोई तुम्हारा साथी नहीं है। साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी चलेगी तो सिर्फ मकान तक, तुम्हारे ये संगी साथी मित्र और चलेंगे, जाएंगी तो सिर्फ शमशान तक, लेकिन इसके तो आगे भजन ही है प्यारे। हैं, शमशान तक तुम्हारे मित्र तुम्हारा सपोर्ट कर सकते, इसके आगे तो तुम्हारा सहयोगी तुम्हारा सपोर्टर कोई अगर है मेरे पागलो, तो इसके तो आगे भजन ही है प्यारे। इस दुनिया कि यारो भरोसे न रहना, दुनिया के भरोसे मत रहना। तो मेरे पागलो, बदला लेने में मजा नहीं है, बदल डालने में मजा है। और याद रखना, जिसे अपने अलावा कुछ ना दिखाई दे वो विद्वान है, और जिसे भगवान के अलावा कोई ना दिखाई दे वो विद्यावान है। और हनुमान जी को तो विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी बेको आतुर। हनुमान जी को राम जी के अलावा कोई नहीं दिखाई देता, वो जहां जाते वहां राम जी दिखाई देते। एक और एक अंतर और सुनो, जो खुद की महिमा गाता है वो विद्वान कहलाता है, लेकिन जो अपने गुरुदेव की और अपने प्रभु राम की महिमा गाता है वही विद्यावान कहलाता है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। तो हनुमान जी हैं विद्यावान और रावण कौन है विद्वान। आगे चौपाई पढ़ो, विद्यावान हो गया, अब आगे चौपाई क्या है, गुणी अति चातुर। हनुमान जी गुणी हैं, सकल गुण निधानम, हनुमान जी में सभी गुण हैं,
अच्छा हनुमान जी में गुण कौन कौन से? बलम शौर्यम श्रुतम सत्वम विक्रमो दाक्षम उत्तमम। हनुमान जी में सभी बल है और सभी गुण होने के कारण हनुमान जी की जो शरण में आता है वो भी क्या हो जाता? सब सुख लय है तुम्हारी शरणा, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का सकल गुण निधानम और विद्यावान गुनी 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 अति चातुर, सात गुण है हनुमान जी के अंदर और सब गुण होने के कारण ही जो हनुमान जी का भक्त होता है उसको मिलता क्या? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। पास जाते ही हनुमान जी की भक्ति करते ही सब सुख प्राप्त हो जाते, लेकिन इतना ही नहीं जो हनुमान जी का भक्त हो जाता, देखो सुख मिलना बड़ी बात नहीं है, पद मिलना बड़ी बात नहीं है, धन मिलना बड़ी बात नहीं है, टिका रहना बहुत बड़ी बात है। पैसा आता तो सबके पास है, टिकता नहीं है। तो हनुमान जी की भक्ति करने वाले को क्या लाभ है? हनुमान जी की भक्ति करने वाले को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया एक लाभ ये है, तुम रक्षक आओ तुम रक्षक आओ। केवल सुख प्राप्त नहीं होगा हनुमान जी की पूजा करने के बाद, प्रिय पागलो हनुमान जी महाराज उसकी रक्षा भी करेंगे। इसीलिए हनुमान जी की चौपाई विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, गुणी अति चातुर, बहुत चतुर है हनुमान जी। गुण क्या क्या? तेजो धृतिर यशो दाक्षम सामर्थ्यम विनयो नयः पौरुषम विक्रमो बुद्धिर स्मिन्नेतान। हनुमान जी में 10 गुण विशेष है। पहला तेज, दूसरा धैर्य। धैर्य कितना? हनुमान जी महाराज लंका में गए रावण के सामने, रावण ने पूंछ में आग लगवाई, बाजई ढोली देही सब तारी मारे, कोई लात मार रहा चरण का प्रहार कर रहा, कोई ताली बजा रहा, लेकिन हनुमान जी धैर्य में खड़े हैं। तो तेज धैर्य यश, हनुमान जी का यश कितना? चारों युग परिताप तुम्हारा, इतना यश है चारों युगों में। और कितना यश? जय कपीश तेहूं लो उजाग। हनुमान जी का यश इतना बड़ा है तीनों लोकों में धमाल, बजरंग बली का कमाल। हनुमान जी ने आकाश में जाकर सूर को निगलकर आकाश में धमाल मचाई, पृथ्वी पर रावण की लंका जलाकर पृथ्वी में धमाल मचाई, और पाताल में अहिरावण को मार करके धमाल मचाया। तो यश इतना, दक्षता आहा क्या कहें, शक्ति, अरे शक्ति का तो पूछो ही मत। हनुमान जी में बल कितना? राम दूत अतुलित बल धामा है? बल कितना? एक
दस हजार हाथियों बराबर, जिसमें बल हो उसे दिग्गज कहते हैं। दस हजार हाथियों बराबर जिसमें बल हो उसे दिग्गज कहते हैं, और दस हजार दिग्गजों बराबर जिसमें बल हो उसे ऐरावत कहते हैं, और दस हजार ऐरावत हाथी इंद्र का जो है, दस हजार ऐरावत बराबर जिसमें बल हो उसे इंद्र कहते हैं, और दस हजार इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। इतना बल है बजरंग बली के पास, इतना बल है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले काउंट क्यों करें कि 20 केजी का बल है कि 50 केजी का बल है कि 4 टन का बल है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले काउंट नहीं करना, इकट्ठा लिख दो। बोले क्या? बोले राम दूत अतुलित 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 बल धामा। बोले गिनती नहीं है, अनलिमिटेड है, चाहे जितनी कॉल लगाओ सब फ्री है। बोलो सीताराम सीताराम, जोर से बोलो। और हनुमान जी के बल शक्ति का प्रताप तो रावण ने भी देखा। एक दिन रावण और हनुमान जी खड़े हुए थे युद्ध के मैदान में। रावण परेशान हनुमान जी के बल से। हनुमान जी बोले कहो भाई साहब क्या हुआ? रावण बोले हमने सुना तुम बलवान हो। हनुमान जी बोले नहीं, हम हनुमान हैं। रावण बोले चुप रहो, हमने सुना तुम बलवान हो, बलवान। हनुमान जी बोले तुमने सुना होगा तो ठीक ही सुना होगा, गलत थोड़ी सुना होगा। रावण बोला चलो एक काम करो, एक एक मुक्का की हो जाए, एक एक मुक्का की। हनुमान जी बोले मतलब? रावण बोला एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारो, जो जीते सो बलवान। हनुमान जी बोले जा खुजली चल रही हो जाने दो, क्या दिक्कत है। रावण बोला ठीक है लगी सर। हनुमान जी बोले तैयार। रावण बोला चलो मारो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं पहले तुम। रावण बोला नहीं पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले भाई साहब कहीं हमने मार दिया हो तुम फिर बचे ही ना, तो खुजली रही आएगी और मर और जाओगे, इसलिए पहले तुम। हनुमान जी बोले ठीक है। रावण बोला ठीक है। रावण के 20 हाथ थे, 20 हाथ। रावण ने 20 हाथ का एक मुक्का बनाया, पीछे तक गया। हनुमान जी से बोला खड़े हो? हनुमान जी बोले खड़े हैं। हनुमान जी ने छाती फुलाई, खड़े हो गए। रावण मुक्का लेके गया, एक मुक्का मारा। हनुमान जी थोड़ा पीछे तक गए, अब रावण भी बलवान तो था ही, पीछे तक गए और फिर ठीक ऐसे हाथ करके खड़े हो गए। रावण बोला गिरे नहीं तुम? हनुमान जी बोले नहीं। रावण बोला तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? हनुमान जी बोले नहीं। रावण बोला तुम्हें आंखों के सामने काला कालापन नहीं छा रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोला तुम्हें छाती में तुम्हें बहुत ज्यादा बेचैनी नहीं हो रही? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, हम ठीक हैं, आई एम फ्री। अब हनुमान जी बोले तुम हो जाओ तैयार। रावण का दिमाग खराब के इतना तेज मुक्का मारा हो भाई साहब को कोई असर नहीं। रावण को लगा सच में बलवान है ये बंदर। हनुमान जी बोले अब बातें बाद में करना, चलो एक मुक्का तुमने मार लिया, अब एक मुक्का हमारा हो जाने दो। रावण बोले ठीक है लगो। हनुमान जी ने 100 मुक्का बनाओ 360 डिग्री पीछे किया। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे, ब्रह्मा जी ने देखा कि कहीं हनुमान जी ने ये मुक्का मार दिया तो राम कथा यही पूरी हो जाएगी। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बीचों बीच राम और हनुमान जी के बीच में प्रकट भय। हनुमान जी बोले ब्रह्मा जी से हटो एक तरफ, अब भाई मुक्का घल जाए तो आफत हो जाए। अरे ब्रह्मा जी बोले रुको तो रुको तो रुको तो रुको तो। हनुमान जी बोले क्या रोके? ब्रह्मा जी बोले महाराज जिस हिसाब का तुम 360 डिग्री घुमा के मुक्का मार रहे, ये अगर रावण के लग जाएगा पाताल में घुस जाएगा रावण, अंत्येष्टि के लिए 100 भी नहीं मिलेगा। हनुमान जी बोले तो उसमें हमें क्या टेंशन, वो तो एक एक मुक्का की शर्त है, शर्त तो शर्त है। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें टेंशन नहीं, हमें तो टेंशन है, राम जी यहां मारने हैं, तुम पहले ही राम कथा पूरी कर चुके। हनुमान जी बोले वाह पहले आए नहीं। रावण भी बोला, रावण बोले ब्रह्मा जी एक तरफ हो जाओ, हम दोनों की लड़ाई हो रही, तुम्हें क्या लेना देना। ब्रह्मा जी बोले भाई साहब जौन हिसाब के भी मुक्का बनाए हैं, खा लो नानी याद आ जाएगी।
रावण को लगा कि जब ब्रह्मा जी हमारे मामले में इंटरफियर कर रहे तो जरूर ज्यादा बड़ा मामला है। रावण बोला तो एक काम करो, तनक साइज घटवाओ, थोड़ा साइज घटवाओ। ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी मुक्का तो मारो, शर्त तो पूरी करो, लेकिन साइज घटाओ थोड़ा। हनुमान जी ने 360 से 100 डिग्री कम कर दो, 260 कर दो, अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अबे भी ठीक नहीं है। रावण बोला अब क्या है? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा तुम्हें लुक लुकी हो तो हम छुड़वाएं। रावण बोला क्यों, अब क्या होगा? ब्रह्मा जी बोले 260 डिग्री में भी प्राण तो चले ही जाएंगे। हनुमान जी थोड़ा और कम करो। हनुमान जी ने 60 डिग्री और कम किया, 200 डिग्री पर खड़ा कर दिया मुक्का, अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अभी भी कोमा में जा सकता है, हार्ट फेल हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती, माइंड की ब्रेन की नस फट सकती है। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं अभी भी गड़बड़ है, थोड़ा और कम करो। हनुमान जी बोले यार इससे अच्छा तो शर्त ही नहीं लगा। रावण बोला नहीं कह रहे तो थोड़ा कम कर लो, क्या बिगड़ जाएगा। हनुमान जी ने 60 डिग्री और कम किया, 140 डिग्री बचा, अब तो ठीक है? रावण बोला अब तो ठीक ही है, ठीक है लगो। ब्रह्मा जी बोले अबे भी 17-18 दिन होश नहीं आएगा, इतने में भी 17-18 दिन बेड पे पड़े रहोगे, हल्दी का दूध पियोगे तब ठिकाने लगोगे। रावण बोला इतने में भी? ब्रह्मा जी बोले इतने में भी? ब्रह्मा जी बोले थोड़ा और कम। हनुमान जी ने 40 डिग्री कम किया, 100 डिग्री पे बोले अब नहीं कम करेंगे चाहे जो हो जाए। ब्रह्मा जी बोले नहीं अब नहीं, अब लगो। ब्रह्मा जी एक तरफ हो गए और हनुमान जी ने ऐसा मुक्का बना के एक मारा, 20 भुजाओं वाला रावण, 10 सिर वाला रावण, जो हनुमान जी को मारने वाला था वो हनुमान जी डिगे नहीं, रावण धराम से धरती पे गिर पड़ा। जहां गिरा आंखें बंद, अब हनुमान जी लगे पूंछ से पंखा कर वे, पानी ले आओ पानी, डॉक्टर बुलाओ डॉक्टर। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया? बोले हमें लग रहा राम कथा पूरी हो गई, रावण बेहोश है। कम से कम एक घड़ी का मतलब 24 मिनट बाद रावण को होश आया। ब्रह्मा जी बोले कैसा लग रहा? रावण बोला दिन में तारे दिख रहे, पृथ्वी घूम रही। हनुमान जी बोले और लगाओगे शर्त एक एक मुक्का की? हनुमान जी बोले तुम जाओ घरे, हमारे पिंड छोड़ो। तो हनुमान जी महाराज के बल की चर्चा अगर की जाए, यही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में लिखते हैं, राम दूत तो लेते बल यशोदाक्षम। तो हनुमान जी में वो सकल गुण कौन से हैं? हम लोग जब सुंदरकांड पढ़ते हैं तो एक श्लोक गाते हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलाभिदेहम धनुज बन कृशानु ज्ञानिनामाग्रगण्यम। इसी में कहते हैं सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। इसी में कहते सकल गुण निधानम
तो वो सकल गुण कौन से हैं, और इस चौपाई में भी आया विद्यावान गुणी अति चातुर। तो पहला गुण है तेज, दूसरा गुण है धैर्य, तीसरा गुण है यश, चौथा गुण है दक्षता, पांचवा गुण है शक्ति, छठवा गुण है विनम्रता, सातवा गुण है नीति, आठवा गुण है पुरुषार्थ, नौवा गुण है पराक्रम, और दसवा गुण है बुद्धिमताम वरिष्ठम। ये हनुमान जी में दस गुण हैं। आदमी में एक ही गुण होता है, और हनुमान जी में कितने गुण हैं? सकल गुण निधानम, सब गुण। यहां भर नहीं, एक जगह और आया है वर्णन। पहली चौपाई हनुमान चालीसा की पढ़ो, कौन सी है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। 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 चौपाई क्या कहती? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी क्या है? गुण के हैं सागर। सागर का मतलब समुद्र, अथाह गुण है हनुमान जी में। गुणों की चर्चा नहीं की जा सकती। हम लोगों के पास एक ही गुण होता है। एक आदमी शादी के लिए लड़की देखने गया, चंगीलाल मुन्नी बाई के घर पर अलवर आया, शादी देखने के लिए लड़की आया। शादी का जो तरीका होता है लड़की देखने का, बढ़िया सज बज करके बेचारी सुबह से बैठी, 6 बार पाउडर लगा चुकी, 3 बार फाउंडेशन। इतने में चंगीलाल पहुंचा, आकर के स्वागत हुआ, तिलक चंदन पानी शरबत पूछा गया, चाय का कप ट्रे में लेकर के मुन्नी बाई गई। माता पिता ने पूछा लड़की से, क्यों खाना बनाना आता है? उसने कहा आता है। कपड़े धोना आता है, रोटी बनाना आता है। सासू मां ने पूछा झाड़ू बर्तन पोंछा करना आता है? आता है। लड़के ने पूछा बाबूजी आपकी आज्ञा हो तो हम भी कुछ पूछें? हाँ पूछ लो। एक बात बताओ, नाचना आता है? लड़की बोली आता है। ठीक, अब चलो। पिताजी, लड़की के पिताजी से कहा कि हम बताएंगे। पिताजी बड़े परेशान, सुबह से हम लड़की को तैयार करे बैठे हैं, सब पूछ लिया, जवाब नहीं दे रहे, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन लड़की भी अलबर की थी, गम खा जाए, बड़ी सावधान लड़की। लड़की बोली रुको, बाद में जाना, चुकता ले जाओ कर्जा। लड़के वाले बोले क्या हुआ? बोले आपने तो पूछ लिया हमसे खाना बनाना, कपड़ा धोना, गाना नाचना, एक बात बताओ। लड़के से पूछा शादी हमारी तुमसे होनी है, तुम्हें तबला बजाना आता है? लड़का बोला हमें तबला बजाने? तो बोले तेरा बाप बजाएगा क्या? जब हम गाएंगे और नाचेंगे तो बजाएगा तेरा बाप? बोले जब तुम्हें तबला बजाना नहीं आता तो गाने का क्यों पूछा? बोलो सीताराम, खैर हमारे साथ में तो बजाने वाला है। बोलो जय सियाराम। तो अन्य लोगों में कुछ गुण होते हैं, लेकिन हनुमान जी में गुण सागर। क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसी बात का जिक्र इस चौपाई में किया, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। देखो जो गुणवान होता है वो घर को मंदिर बना देता है। आहा, एक बात और बताएं, कह दो बताओ। सुनो, माचिस की तीली जानते हो?
माचिस की तीली दिया जलाकर उजाला भी कर देती है, और माचिस की तीली घर में लगा दो सो राख भी बना देती है, घर भी जला देती। हाँ जी या ना जी बोलो, जला देती कि नहीं? उसी प्रकार मेरे पागलो, अगर तुम हनुमान जी के भक्त रहोगे तो तुम्हारे अंदर जो गुण है वो तुम्हारी जिंदगी में उजाला कर देगा, और अगर तुम भक्त नहीं बन पाओगे तो तुम्हारा गुण ही अवगुण होकर के तुम्हारा विनाश करवा देगा। रावण के पास भी तो गुण था, कौन सा गुण? बल का। लेकिन एक बात और बताएं, देखो किसी के पास बल हो तो बल के साथ साथ बुद्धि भी बहुत जरूरी है। किसी के पास बल हो, बुद्धि बिल्कुल घास चरने गई हो, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा किसी के पास केवल बुद्धि हो, बल ना हो, अक्सर याद रखना जितने भी जी बलवान जी खड़े जी काले काले कपड़ा पहने जी बॉडी गार्ड से दिखाओ इनको शरीर, भारी मोटे ताजी हैं, देखो तो भारी मोटे, तीन तीन दरवाजे लगेंगे इतने मोटे हैं, भारी मोटे। अब देखो इनमें बल तो है, इनने करीब का कहा जिम, इनने जिम करी, इनके अंदर बल तो है, लेकिन विचार करना, हम आकलन अपने से ही लो, तुमसे ना लो, हम अपने से ले लेते। इनका शरीर देखो और हमाओ देखो, हमारे जैसे 20 फिट हो जाएंगे, इनका देखो हमाओ देखो, हमारे जैसे 20 फिट हो जाएंगे तब एक भाई साहब को पड़ेंगे। लेकिन जी बलवान है, बलवान है, हमारे हनुमान जी बुद्धिमान है, तो बलवान लोग बुद्धिमानों के पीछे चलते हैं। देखो कितना अच्छा सामने तर्क, बहुत ही बुरा मत मानना आप लोग, बलवान लोग अक्सर देखना नेताजी एकदम पतले से, बॉडीगार्ड जे मोटे, क्यों? किस्मत वालों के पीछे ही ये बलवान लोग लगते हैं। बोलो सीताराम, सीताराम, बोलो बोलो बोलो। तो जिसके पास बल है और बुद्धि नहीं है तो तुम बुद्धिमान के पीछे पड़े रहोगे, और जिसके पास बुद्धि है बल नहीं है तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हाँ जी या ना जी? ऐसे ही हनुमान जी के पास दोनों है, क्या क्या है? बल भी है, बोलो 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 बोलो, बुद्धि भी है। मेरे पागलो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी बल है तो कृपा करके ऐसा जीना, ऐसी कथा सुनना ताकि तुम्हारी बुद्धि भी बढ़ जाए। बोले क्यों? बल रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, घाटा हो जाएगा। अच्छा जिसके पास बल हो बुद्धि ना हो, अब इनके पास बल है इनकी बुद्धि ना हो तो या तो जी जेल जाएंगे या अस्पताल। जिसके पास बल हो बुद्धि ना हो तो वो दो ही जगह जाता, पूछो कहां कहां, या तो जेल या अस्पताल। कैसे? अब बल तो है बुद्धि नहीं है, अब मान लो किसी छोटे पतले से हमारे जैसे आदमी को मार दिया और हम मर गए तो कहां जाएंगे? जेल। अब इनके पास बल है पर बुद्धि ना हो और किसी मोटे तगड़े को मार दे, मैं एकदम भारी मोटे पहलवान को, तो वो इनकी हड्डी तोड़ दे रिटर्न में, तो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? अस्पताल जाएंगे। इसीलिए मेरे पागलों, हम तुम्हें समझाना ये चाहते, बल के साथ साथ बुद्धि भी होना बहुत जरूरी है, और यह आपको केवल हनुमान जी की कथा से मिल सकती है। अगर आप हनुमान कथा सुनोगे तो तुम्हें बल भी प्राप्त होगा और बुद्धि भी प्राप्त होगी। बोलो सीताराम। इसीलिए हनुमान जी कैसे? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, काम काज करिवे को आतुर, राम काज करिवे को आतुर। श्री से एक आदमी कह रहा था, गुरुजी
अभी जब हम आ रहे थे पत्रकार कह रहे थे महाराज आपको लोग गुरुजी विवादी क्यों कहते हैं, आपकी बातें विवाद में क्यों रहते हैं। हमने कहा उनको तो नहीं हम बोल पाए क्योंकि जल्दी में थे, लेकिन हमें अभी याद आया मुर्गा, मुर्गा होता है मुर्गा जो जगाने का काम करता है वही सबसे ज्यादा काटा जाता है। मतलब सार सीधा सा है, जो जगाने का काम करेगा वही काटा जाएगा। इसलिए मेरे पागलों तुम भयभीत मत होना, जागते रहना और जगाते रहना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात हो, अरे बोलो, भूख लगी क्या? एक बात हम बताएं तुम्हें, राज की बात, हमें पहले दिन में आना था, हम रात को ही आ गए। पूछो क्यों? पूछो, पिछली बार जब हम राजस्थान आए थे बहुत फूल माला घली थी, लोगों ने बहुत फूल मारे, फूल माला मारी, हम आधे बचे थे शरीर से। हमने कहा गुरु जी आज अपन को घाटा नहीं खाना, तो हमने जजमान को बताया, गुप्ता जी को। हमने कहा हम दिन में आएंगे, दिन में 12 बजे, जी नहीं कहा कि दिन में आएंगे, हमने कहा हम 12 बजे आएंगे, हम 12 बजे रात को चल दिए। बोलो सीतारा, लेकिन एक बात बोले, हमें पता नहीं था अलवर में भी इतने प्यारे श्रोता रहते हैं। आज तो आप लोगों की भक्ति देखकर हमारे हनुमान जी भी बड़े खुश हो रहे होंगे, और वो भी देखो देखो राम कथा के श्रोता कौन होते हैं, हनुमान जी, और हनुमान कथा के श्रोता राम जी स्वयं होते हैं। और आज तो हनुमान जी बड़े खुश होकर के नाच रहे होंगे, अरे छमो छमो, उठा लो दोनों हाथ, कहते हैं लोगी से हो, कहते हैं लोगी से राम का दीवाना। अब उठा दोनों हाथ, छमा छमा, छमा छमा, नाच देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। बोलो हनुमाना, कौन कौन मेहंदीपुर बालाजी का भक्त है और बागेश्वर बालाजी का? ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला, उठा लो दोनों हाथ, छमो छमो, छमो छमो, नाच देखो वीर हनुमाना, हनुमाना वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना। आप लोगों की मस्ती देखकर हमें लग रहा तुम लोग भी हनुमान जी के ही पगला हो। अच्छा एक बात बताओ, आनंद आ रहा ना, तो ताली कौन बजाएंगे, वेस्ट इंडीज वाले? दोनों हाथ उठा देंगे, नाचते हैं तो कैसे नाचते हैं? पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। पीछे वाले बड़े कंजूस हैं, जो कंजूसी करेगा अगले जन्म में उसका विवाह नहीं होगा।
तुम लोग ओ माता जी हर उठाओ दोनों हाथ पाओ में घुंघरू प्यारा है। क्या तुम्हें भी है? क्या तुम भी चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र हो? क्या तुम भी चाहते हो हिंदू जागे? उठा दोनों हाथ घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के नाचे पांव में घुंघरू बांध के नाचे जी का नाम इन प्यारा बड़ा लागे राम जी का नाम इन प्यारा बड़ा लागे राम जी ने भी देखो राम जी ने भी देखो खूब पहचाना चम 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 नाच देखो है लोगी से हो कहते हैं लोगी से राम का दीवाना क्या राजस्थान के लोग भी राम के दीवाने हैं क्या बागेश्वर धाम के दीवाने हैं क्या तुम भी चाहते हो कि सनातन की अलग पूरी दुनिया में जाग जाए पागलो पागलो तुम मेरा साथ दो हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे अब उठा लो दोनों हाथ अच्छा एक बात बताओ हनुमान जी कहां रहते हैं कहां रहते हैं है? बड़े कंजूस लोग हो जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का हमारे पूरी है सर्व समाज राष्ट्र उत्थान सेवा समिति जो मंच पर बैठी है एक बार इनकी मेहनत के लिए ताली बजाकर साधुवाद जरूर दो इन्होंने बहुत मेहनत की सामने खड़े हैं जितने ये पीले कुर्ता में हैं ये सब बागेश्वर धाम के विशेष पगला है उठाओ दोनों हाथ तो हमें आज लग रहा कि तुम्हारे पास भी वीर बजरंगबली है और एक बात बोले जितने लोगों ने भी इस कथा में सेवा की सहयोग किया आज उनके पूर्वज ऊपर बैठे बैठे जरूर धन्यवाद दे रहे होंगे कि हमारे खानदान में एक ऐसा वीर पूत हुआ है जिसने हनुमान कथा करके पूरे राजस्थान को जगवा दिया है उठाओ दोनों हाथ सुनने वालों एक बात बोले कह दो बोलो अरे जोर से बोलो पहले और जोर से बोलो कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा लेकिन मेरे बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा हनुमान जी कहां आते हैं
जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता प्रभु राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता प्रभु राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान 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 का। और ये जो वीआईपी बैठे सुन लो, बजा लो ताली, जो बजाएगा नहीं ताली उसकी जेब रहेगी खाली। और हनुमान जी का ठिकाना राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। चम 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 हम ये भी कह सकते हैं, कहते हैं लोग यहां केवल हनुमान जी भी नहीं है, अलवर वाले भी हनुमान जी के पगला वाले भक्त हैं। कहते हैं लोग इसे राम का दीवान। अब तुम गाओ, छमो छमो नाचे देखो इतने धीरे, घर पे गालियां बड़ी जोर जोर से बकते, जोर से गाओ, छमो छमो नाचे देखो, मेहंदीपुर बालाजी वाले भी आए हैं। हाँ कुछ रहो। अच्छा मेहंदीपुर बालाजी से कौन कौन है? बाबा बाबा जय हो जय हो। अच्छा मेहंदीपुर बालाजी के भक्त कौन कौन है? हमें तो कंजूस लग रहा है। कंजूस होगा? नहीं हो ना? अरे नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे। हनुमान जी से पूछा आप नाचते क्यों, क्या फायदा है? लोग हमसे भी पूछते कथाओं में नाचने से क्या फायदा, हमने कहा ठटरी के बरे, दुनिया में नाचने से तो अच्छा है भगवान के दरवाजे पर नाचे। बोलो हाँ जी या ना जी। शादी होवे इतना नागिन डांस निकलता है भीतर से, और भगवान के दरवाजे पर बड़ी कंजूस। लेकिन हनुमान जी नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे। तुम नहीं गाओगे तो क्या पड़ोसी गाएंगे? बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे। भक्तों में भक्त बड़ा, गूंजा नारा, देखो हिंदू जगने लगा है घर घर गूंजा नारा।
का ले लो सहारा कर लो फिर उजियारा राम नाम का ले लो सहारा कर लो फिर उजियारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा संकल्प है तो जाग जाओ अभी मौका है पर बाद में मौका मिलने वाला अपने माथे पर टीका लगाओ घर के बाहर झंडा लगाओ और एकजुट हो जाओ क्यों क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है बात बताओ क्या तुम चाहते हो कश्मीरी पंडितों जैसा हमारा तुम्हारा हाल हो क्या तुम चाहते हो साक्षी बहन जैसा हमारा तुम्हारा हाल हो क्या तुम चाहते हो तुम्हारी रामचरितमानस को कोई जलाए क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे घर से भगा दिया जाए और अत्याचार किया जाए नहीं चाहते ना तो कौन कौन आज प्रण ले रहा कि हम सब हिंदू एक हैं अगर कोई हिंदुओं पर वार करेगा तो कौन कौन जवाब देगा अगर कोई अपने संतों के लिए निंदा करेगा कौन कौन जवाब देगा अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन ठटरी मारेगा पक्का खाओ कसम एक दिन के लिए कि जीवन भर के लिए अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो कौन कौन ठटरी मारेगा पक्का 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 तो जाओ हमारा भी वचन है हमें जो हनुमान जी से गुरु कृपा मिली है अब आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है हमारे बालाजी की है नाच 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 प्रभु राम को रिझावे नाचता ही जावे हमारी रात दिन नाचता ही जावे भक्तों में भक्त बड़ा हो भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना चम 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 लोग दोनों हाथ उठा करके चम 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 राम का दीदार चम
कृपा भरतरी महाराज की। अलवर राजस्थान की पगलन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो चौपाई कौन सी है? विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को। आज की कथा कहां तक हुई? विद्यावान गुनी तक। अति चातुर पर चर्चा और राम काज पर चर्चा कल करेंगे। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन विराम का है और कल सुबह दरबार भी है। साढ़े ग्यारह बजे के बाद कल दरबार लगेगा 2 बजे तक और 4 बजे से फिर कथा होगी। कल कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। देखो हमने बुद्धू बना दिया। आएगा कौन कौन? हाथ उठा। पक्का? कितने बजे आना है? 4 बजे कथा में। जिन्हें दरबार में आना हो दरबार में। कथा के पागल कौन कौन है? हाँ क्यों, चौपाई कौन सी है? विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को। आज आपने समझा, विद्वान वो है जो अभिमान से भरा और विद्यावान वो है जो भगवान से भरा। बोलो सीताराम। विद्वान वो है जो अकड़ा हुआ है और विद्यावान वो है जो विनम्र है। विद्वान वो है जो अपनी महिमा गाता पर विद्यावान वो है जो भगवान की महिमा गाता। विद्वान वो है जो पुस्तकों का ज्ञान पा लेता है लेकिन विद्यावान वो है जो पुस्तक के साथ साथ गुरु का ज्ञान पा लेता है। बोलो सीताराम। और बदल देना, बदला लेने में मजा नहीं है, व्यक्ति को बदल देने में मजा है, यही विद्यावान के लक्षण है। बोलो सीताराम। कल फिर कथा सुनाएंगे इसी चौपाई पर, शाम 4 बजे से दोपहर में दरबार लगेगा। सब लोग सुबह घड़ी के बजे 10 बस। तो 10 बजे के बाद 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाना, फिर लगेगा दरबार। फिर इसके बाद फिर लगेगा दरबार। दरबार के लिए निकालना घर से कार, क्योंकि यहां रहेगा तुम्हारा इंतजार। और माथे पर टीका लगा के आना। कैसे आना? बोलो 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 बोलो, क्योंकि राजस्थान के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। माथे पर टीका लगा के आना और अपने अपने घर के बाहर झंडा कौन कौन लगाएगा? हाँ, बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? ओ पक्का, तुम्हारी जय हो। देखो हनुमान जी की कथा बड़ी प्यारी है तो कल सुनाएंगे। आज पहला दिन था, अब हम थक भी गए हैं और पेट में भूख भी लगे आई है। अब पेट कह रहा गुरु जी रसगुल्ला खाओ। तो अब बहुत समय भी हो गया, घड़ी के बज गए 7, पूरा करते हैं पाठ। बोलो सीताराम। एक बात और बताओ। रुको 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 रुको, जल्दी मत मचाओ। आराम किस किस को चाहिए? चाहिए तो सुनो, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। बोलो सीताराम। विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम भगवान की जय।
चंपा के सुरधाम की, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की, अलवर राजस्थान के पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, सीताराम सीताराम सीताराम। भोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। जैसा कि गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ है, कल सुबह 11:30 बजे से देव दरबार होगा। देव दरबार में आप सभी पहुंचे, केवल राम राम के जाप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी। और एक सूचना और है कि नारियल लेकर आपको यहाँ नहीं लेकर आना है, नारियल की अर्जी यहाँ नहीं बांधना है, आप घर पे ही रख के आए, घर के मंदिर पर, या जब भी आप बागेश्वर धाम पहुंचे वहां आप लेकर आए। तो कल सुबह 11:30 बजे दिव्य दरबार ही कथा पंडाल में होगा और शाम 4 बजे से कल की कथा प्रारंभ होगी। आइए चलते हैं, सभी अतिथि और यजमान परिवार पहुंच चुके हैं पावन मंच पर ही। श्री किशन गुप्ता जी मुख्य यजमान परिवार, आप सभी पावन मंच पर उपस्थित हैं। आइए चलते हैं मंगलमय आरती में। जय श्री राम। हरि ओम। चंद्रमा वन सोजा दक्षो सूर्यो बजाय तो स्रोत्राद वायु प्राण सुमुखाग्नि रजाय तो मनु में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू बाला जी तेरी आरती मनु बसा कर तेरी मूर्ति उतारू बाला जी तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती ए तेरी आरती बालाजी तेरी आरती ए बसा कर तेरी मूर्ति कारू बालाजी तेरी आरती ए करुणा करो आ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान मेरी दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन तो मैं पसीनिया मेरी लाल दो भगवन हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है तुमसे भीख मांगती ए बसा कर तेरी मूर्ति उतारू वाला जी तेरी आरती मांगू तुझसे हाँ मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचू भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचू भगवान कुछ नहीं मेरा कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा मैं सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है प्रभु तुमको संसार की ए बसा कर तेरी मूर्ति उतारू बाला जी करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़े वीणा ता
कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं शीतलेत्तुं जगत्माता सिन्धेत्तुं जगत्पिता शीतलेत्तुं जगद्धात्रे शीतलाय नमो नमः देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनम् पुष्पाधिवन्दनम् हरिः ओम् मन्त्रपुष्पाञ्जलम् हरिः ओम् जदेन जगवै जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेः नाकं महिमाना सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्या सन्ति देव हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्तुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ति प्रचोदया हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदया हरि ओम् अञ्जनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदया नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वर श्री सीतारामाभ्यां नमामन्त पुष्पाञ्जलम् समर्पयामि बागेश्वर धाम की। सभी भक्तों से निवेदन है अपनी अपनी जगह से ही प्रणाम करके और मंच को शीघ्र ही खाली कर दें। सभी से मंच के ऊपर कोई न आए, सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है शीघ्र ही प्रणाम करके। सीताराम सभी जो सुबह आप एक बार प्रणाम कर चुके हैं उनसे निवेदन है कि वो पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। एक बार सुबह जो पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ले चुके हैं तो उनसे आग्रह है कि वो मंच से प्रस्थान करेंगे। सभी से आग्रह है कि पावन मंच से आप प्रस्थान करें। जो एक बार सुबह गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ले चुके हैं उनसे बिना आग्रह है कि आप मंच से आप प्रस्थान करेंगे। सभी से बिना आग्रह है एक बार सेवादार जाके सभी को बिना पूर्वक मंच से प्रस्थान करने के लिए आप निवेदन कर दें। सभी से बिना आग्रह है कि आप जो एक बार प्रणाम कर चुके हैं वो पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। सभी अतिथियों से यजमान परिवार से बिना आग्रह है कि आप सभी पावन मंच से प्रस्थान करेंगे और रास्ता कर दें और गुरुदेव भगवान को कोई स्पर्श न करें। सभी से बिना आग्रह है कि मंच खाली कर दें। सभी यजमान परिवार से अतिथियों घर से हमारा बिना आग्रह है कि मंच से आप सभी प्रस्थान करेंगे। सभी से बिना आग्रह है कि आप सभी मंच खाली कर दें और दूर से ही आप प्रणाम करना है गुरुदेव भगवान को, स्पर्श नहीं करना है। कल सुबह 11:30 बजे मानव जीवन की दैहिक दैवक भौतिक कष्टों के निवारण के लिए एक दिवसीय दिव्य दरबार कल यही कथा पंडाल में लगेगा। केवल राम राम के जाप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी। केवल राम राम का जाप करना है। आप कहीं भी बैठे हो, आपके मन में भाव विश्वास निष्ठा है बागेश्वर बालाजी के प्रति, तो निश्चित रूप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी बागेश्वर बालाजी के चरणों में। तो कल सुबह 11:30 बजे आप यहां पहुंचे और 11:30 बजे से दिव्य दरबार प्रारंभ होगा और इसके बाद कथा का जो समय है 4:00 बजे से कल की कथा प्रारंभ होगी और इसके बाद कथा पंडाल से ही कल पूज्य श्री गुरुदेव भगवान आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कल सुबह आप सुबह 11:30 बजे पहुंचे और बागेश्वर बालाजी सरकार का आशीर्वाद आप प्राप्त करें। सदैव आप सब पर पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ऐसे ही हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सबके मन में जो भी मनोकामना है आप सबकी मनोकामना पूरी हो, आपके कष्टों का निवारण हो और इसके साथ अगर आप पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के साथ 5 दिन तक उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं तो 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक 5 दिवसीय श्री रामचरित चर्चा पर कथा हम आज सभी रामेश्वरम में स्मरण करेंगे। तो आप सभी रामेश्वरम जाने के लिए बागेश्वर धाम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या टीवी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप जो भी सामग्री गुरुदेव भगवान के लिए लेकर आए हैं वो नीचे सेवादार को दे दें। उपहार के रूप में आप जो भी अपने भाव गुरुदेव भगवान को प्रकट कर रहे हैं देना चाहते हैं तो वो आप नीचे सेवादार को दे दें। गुरुदेव भगवान तक आपका उपहार पहुंच जाएगा और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। तो आप जो भी चित्र मिठाई फल फूल जो भी आप लेकर आए हैं तो नीचे सेवादार को दे दें।
आपका उपहार गुरुदेव भगवान के पास पहुंच जाएगा। आप जो भी सामग्री लेकर आए हैं आप नीचे सेवादार को दे दें। पीछे से रास्ता कर दे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय हो, बागेश्वर धाम सरकार की जय हो, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार की। तेरी सखी मंगल गौरी, उतरे किया